All right, so good afternoon, everyone. It's a wonderful day today. It's Friday, and Friday has always given me a lot of great opportunities. Friday ke din hamesha mujhe hamesha great opportunities milti rahi hain. Baki sare din acche rahe hain, kuch kamal hua hai, but opportunities ki jahan tak baat hai na, mauka milna, avsar milna, it has always come to me on Friday. And I'm very sure that this Friday is going to bring me a lot of opportunities. Aur wo opportunities kaise aayega? Aapse baat karke. Jis tarike se Friday gets me a lot of opportunities, similarly, aaj ye Friday aapko bahut sare opportunities dene wala hai. But the point is, there are a lot of people, you know, wo jab opportunities ki baat samajhte hain, to unko aisa lagta hai, kuch aisa जिसमें शायद उनकी कमाई हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कि उनको आईफोन मिल जाए, या फिर दे गेट अन समबडी गेट इट्स सैटरडे. इट्स सैटरडे हर्ष. यस सर, टुडे इज सैटरडे. ओ माय गॉड हर्ष, तो मैं आपको बता दूं, फिर तो और भी अच्छा दिन है हर्ष. यू नो व्हाई हर्ष? यस सर. हर्ष, बिकॉज़ आई एम बोर्न ऑन सैटरडे. शनिवार के दिन मैं पैदा हुआ था, और वो भी कहां? अयोध्या श्री राम नगरी. राइट, सो इससे बड़ा शुभ दिन और कोई हो ही नहीं सकता फिर. ओके, सो इन टोटल व्हाट आई मीन टू से इज, इट्स सैटरडे टुडे, और मैं आज आप लोगों को कुछ एक कमाल की अपॉर्चुनिटी, बट सर आई एम लिसनिंग यू ऑल टाइम. ओके, राइट, सो दिस सैटरडे इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसका रिजल्ट आपको 18 सितंबर को देखने को मिलेगा मेरे दोस्त. ऑलराइट, so now before I start the session, let me share you the topics. Hai na, 16th of September, you are going to deliver a small presentation. 16th ko kare, aaj 12th hai, then 13, 14, okay, 16, 17, okay. 16th is fine. So 16th of September, I mean, 3-4 dino ke baad, you are going to deliver a small presentation, right? And now I'm going to share you the topics. Now, before I know, before I assign you the topics, I would like to know that how many of you actually wish to deliver, है ना? क्योंकि ये delivery job की 16 September को होगी ना, ये तय करेगा कि 18 September को आप में से किसको honor recognition मिल रहा होगा, और ये भी तय करेगा कौन ये कहेगा हुर्रे, और कौन ये कहेगा I wish, काश मैंने participate किया होता. So दो चीजें हैं, जो करेगा उसको मिलेगा हुर्रे, यानी कि ब्रावो फील करेगा, एनकरेज फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि वो सफलता के पायदान पर एक कदम ऊपर निकल चुका होगा. बट वो दोज हु वोंट डिलीवर, दे विल हैव जस्ट हैव वन थिंग टू लेव, बस एक ही चीज बचेगा उनके पास कहने के लिए, और वो काश मैंने पार्टिसिपेट किया होता. सो नाउ लेट मी शेयर यू द टॉपिक्स. मैं आप सभी को टॉपिक शेयर कर रहा हूं. Kunal, please note down the topic. Kunal, topic आप note करेंगे सभी के लिए, all right? Okay, sir. Yes, और ठीक पिछली बार की तरह, by end of the day, you will share me the details over WhatsApp. Yes, Shivam, कोई सवाल आपको? Yes, sir. Yes, Shivam, sir, please पूछिए. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, Shivam. Sir, today, before that start session, I want to ask some question related to previous topic. Yeah, yeah, please go ahead. Please? सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो रिज्यूमे और सीवी पर जो सेशन लिया था, उसमें सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वेबिनार अटेंड किया है, फॉर एग्जांपल एक घंटे या फिर दो घंटे का, तो क्या मैं उसे अपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ ऐड कर सकता हूँ या कि नहीं कर सकता हूँ? ओके, ना इसी पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो वर्कशॉप सेमिनार अटेंड किया है, अगर वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड था, यानी कि मान लो शिवम, यू आर फ्रॉम विच ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स. है ना, मान लो आपने एम्बेडेड सी पे किया, मान लो आपने रोबोटिक्स पे किया, मान लो आपने मैटलैब के किया, मान लो आपने वीएलएसआई पे किया, मान लो पीएलसी स्काडा पे किया, है ना, मान लो जावा पाइथन पीएचपी सब पे किया, तो ये आपके एकेडमिक से रिलेटेड है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं आएगा, ये को करिकुलर में आएगा शिवम. ठीक है, ठीक है. अब दूसरी चीज, आप सेमिनार वर्कशॉप को करिकुलर में जरूर लिखें, बट द थिंग इज, लिखने के पहले सवाल पूछे, विल यू बी एबल टू जस्टिफाई दोस सेमिनार्स दैट यू हैव अटेंडेड? अगर कोई सवाल पूछा, मान लो शिवम, यू अटेंडेड अ वेबिनार ऑन एम्बेडेड सी एंड रोबोटिक्स,
है ना, यस सर। आपने वो लिख दिया। और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, शिवम कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस सेमिनार दैट यू हैव अटेंडेड ऑन एम्बेडेड सी एंड रोबोटिक्स। यस सर। तो आमतौर पे लोगों का जवाब क्या होता है शिवम? सर एक्चुअली वो बस एक सेमिनार था 2-3 घंटे का, तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला। हर कोई यही जवाब देता है शिवम, मैं बता दे रहा हूं आपको। आउट ऑफ 100 95% स्टूडेंट्स एक्चुअली रिप्लाई द सेम कि सर वो तो सेमिनार था 2 घंटे का था तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला। तो वो बोलेगा जब ज्यादा कुछ पता नहीं था तो फिर क्यों लिखा इसमें, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे सेमिनार हो या वर्कशॉप हो, भले वो 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, लेकिन सीख हमें जरूर मिलती है शिवम, है ना। अब ये हमारे ऊपर है कि भैया हम वो बोल रहे हैं लेकिन हमने दोनों कान अपने बंद रखे हैं, हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, है ना। सो यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट शिवम, बट द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई। मान लो शिवम, इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या होगी कि लोग लिखते हैं बीटेक, लिख देते हैं ना बीटेक, yes, और सवाल आता है जब पूछते हैं कि बीटेक में क्या पढ़ा, क्या जानते हैं, तो जवाब ही नहीं दे पाते, तो ऐसे में बीटेक भी कबाड़ हो गई, फिर पेन टूटा। यस सर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज आप उसमें जो भी लिख रहे हैं सीवी रेज्यूमे में, यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई। लेकिन आमतौर पर शिवम क्या होता है, लोग अपने बारे में, मतलब वो अपने आप को पहचान कर सीवी रिज्यूमे में नहीं लिखते, वो लिखते हैं जो किसी दूसरे की सीवी में लिखा होता, वहां से उठा के डाल दिया। यस सर। और फिर वो जिसने डाला फिर उसकी सीवी कोई और डाल लेता है। बट वी फेल टू आइडेंटिफाई, और वही पास ऑन होता रहता है। शिवम की सीवी देखी दीपिका ने, दीपिका ने वो लिख लिया, दीपिका सीवी अंकित ने दी, अंकित ने वही लिख लिया। तो ये जो है ना, ये कारवा चलता जाता है ओनली बिकॉज यू डू नॉट आइडेंटिफाई योर सेल्फ। So it is very much important that whatever you are mentioning in your CV or resume, ensure that you are able to justify. Good afternoon, Jagriti. All right. So you are able to justify. Justify करना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे शिवम। Yes sir. देखिए जैसे ना, अगर मैंने लिखा extra curricular activity, चलो मान लो recruiter मेरे से पूछता है कि tell me about your biggest achievement. आप अपनी किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करें। Yes sir. शिवम मान लो मैंने अब कहा कि सर माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट आई प्लेड क्रिकेट टूर्नामेंट इन व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई हैड वॉन अ पार्ले जी बिस्किट, दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। मैंने कहा कि मैंने कक्षा 8 में क्रिकेट टूर्नामेंट खेला था और उसमें मैंने पार्ले जी जीता था, तो ये क्या जवाब सही है? सर नहीं। क्यों? आई थिंक सर अगर आप किसी इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं तो शायद इससे पहले आपने कोई और भी अचीवमेंट से अपने एकेडमिक से रिलेटेड अचीव की होगी, जो कि जिस इंटरव्यू में बैठ रहे हैं शायद उसमें हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा ठीक है, और किसी के पास कोई जवाब है क्या? आपको लगता है अगर मैं बोलूं पार्ले जी मैंने जीता था कक्षा 8 में, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, हाउ मेनी यू फील कि ये सही जवाब नहीं है? शिवम ने कहा कि नहीं ये जवाब नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। इज देयर एनीबॉडी हु हैज गॉट सम अदर ओपिनियन? बताइए। अच्छा दीपेश ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है ठीक है। और कोई? कैन वी हैव फ्यू मोर ओपिनियंस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस अचीवमेंट को सर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो उससे क्या सीखा था और क्या नहीं अभी याद भी नहीं हो। सर और उसका प्रूफ भी नहीं है। हाँ उसका प्रूफ भी नहीं, सही कहा आपने, ठीक है। Price can't decide your performance and ability. Well said, Jagriti. Okay. तो मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखिए, आपको आपकी पहली जीत हमेशा याद रहती है ना? तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? रिक्रूटर्स ने मेरे से पूछा अपनी बड़ी उपलब्धि के बारे में बताओ, तो मैंने कहा कि सर द क्रिकेट टूर्नामेंट दैट आई प्लेड व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड आई हैड वॉन a parle ji only because I had scored 25 runs in just 15 balls. Ab recruiter puchega why do you think that it is your biggest achievement? To main usko jawab dunga, Kunal, Shivam, baki sare log sun le. Yes sir. Because that is the point when I gained confidence in myself, and after that it completely changed my life. And you see the series of achievements that I've got. In 12th, I won this. In BA, I won this. In BA final year, I had this achievement. In MA, I had this achievement. And now, I have almost 29 awards. And it's only because of that one single Parle Ji that I had won in that cricket tournament when I was in class 8, sir. Ab batao? Yes, sir. Ab samajh mein aa gaya. Hai na? Toh, mere kehne ka matlab, achievement koi choti badi nahi hoti hai.
है ना, अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है ना। अब मदद शिवम मान लो मैं किसी की 1 रुपए की कर रहा हूँ लेकिन, या 1 करोड़ की कर रहा हूँ, मदद मदद होती है। चोरी मैंने 1 रुपए की या 1 करोड़ रुपए की शिवम, मैं बन तो गया चोर ना। यस सर, है ना। तो ठीक उसी तरीके से इस दुनिया में आप जो भी कह रहे हैं ना उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। व्हाट एवर यू आर राइटिंग यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई। फॉर एग्जांपल शिवम कुणाल है ना, अंशु भगवान, सारे लोग समझ ले, काजल, जागृति, कमलेश, निखिल, आरती, शुभम, है ना, कि यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यू नो दे राइट स्ट्रेंथ्स, और स्ट्रेंथ्स में क्या लिखते हैं, हार्ड वर्किंग, है ना, लिखते हैं पॉजिटिव, लिखते हैं डिटरमाइंड, लिखते हैं अडैप्टेबल इन नेचर, है ना। तो अब मान लो उस पर भी कई सवाल हो सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने पूछा कुणाल यू हैव रिटन दैट यू आर हाईली डिटरमाइंड, कैन यू प्लीज डिफाइन माय सिचुएशन वेयर यू प्रूव योरसेल्फ टू बी हाईली डिटरमाइंड। अब जो है पता चला वहां कुणाल, अब सोच रहे हैं, चलिए कुणाल ने कोई जवाब दे भी दिया, अब उस पर और क्रॉस क्वेश्चन हो गए, कुणाल सो व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू मेड आउट ऑफ इट, ओके हाउ डिड यू ओवरकम, ओके व्हाट इज द की पॉइंट दैट एक्चुअली एनकरेज्ड यू टू ओवरकम, है ना। तो इस तरीके से उस पर कई सवाल, पता चला कुणाल कुड नॉट जस्टिफाई, क्योंकि कुणाल को लगा कि भाई हमने जो बस ऐसे लिख दिया है तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है इंटरव्यूज में। आप सभी को पता, यू ऑल नो दैट 95% इंटरव्यूअर भी जानता है कि जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है झूठ बोलेगा पक्का, हर कोई झूठ बोलता है ना इंटरव्यू में, तो तय बात है। लेकिन फिर भी आपकी वो कम्युनिकेशन देखता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखता है, आपकी मेंटल एबिलिटी देखता है और आपको हायर कर लेता है। तो ये तो सारे रिक्रूटर्स को पता होता है शिवम, कुणाल, हर्ष, कि भैया ये जो आया है ना ये तो झूठ पक्का बोलेगा, बट वो झूठ इस तरीके से ताकि वो झूठ झूठ ना ना लगे। यस सर, ऑलराइट। हर कोई जानता है कि इंटरव्यू में हम बहुत झूठ बोलने वाले हैं, बट वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि वो झूठ झूठ ना लगे। शिवम ठीक उस तरीके से, लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, हर्ष, कपिल, दीपिका, अंकित, सारे सुन ले, है ना, मतलब ये बड़ा ऑड सा एग्जांपल है, बड़ा रेलेवेंट लगेगा, है ना। मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, है ना, वो मतलब बड़ा ऑड है लेकिन फिर भी समझ लो, मान लो आई हैव अ गर्लफ्रेंड, है ना, और वो मुझे बोलती है कि यार मेरे को ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, थोड़े 500 रुपए दोगे क्या? मैंने दे दिया। 3-4 दिन के बाद शायद वो कहती है यार मेरा फोन नहीं चल रहा है और इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट मेल भेजना मुझे क्योंकि एक इंटरव्यू होने वाला मेरा, प्लीज रिचार्ज करा दो क्या? मैंने वो करा दिया, जबकि मुझे पता है कि वो शायद झूठ बोल रही है मेरे, या मेरे को उल्लू बना रही, कुछ भी, लेकिन फिर भी हम उसकी झूठ को झूठ नहीं मानते, सच मानते भाई, क्यों? Because of this is GF. Because of GF. Now see, Shivam क्या जवाब दे रहा? Because of GF. Okay. Because of GF नहीं, क्योंकि वो शायद Because of love. Oh my God. Because of love. Only because हमारी bonding, हमारा जो उनका लगाव है ना, वो थोड़ा बड़ा गहरा है. तो हम ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रहे हैं, हम उसको झूठ नहीं समझते। मिसाल के तौर पे शिवम, लॉट ऑफ टाइम्स यू सी व्हाट हैपेंस, कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, और झूठ थोड़ा बहुत क्या, कई बार बोलते हैं, है ना। जैसे पता चला आप कॉलेज जा रहे हैं, मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा हो, बोलो कॉलेज जा रहा हूं, पता चला मूवी देखने चले गए। यस सर, है ना। आपने बोला कि पापा मेरे को ये चीज में फाइल, ये फॉर्म फिल करना है, इसके लिए मेरे को 500 रुपए चाहिए, है ना, पता चला 100 रुपए है उसकी चीज, लेकिन आपने 500 रुपए मांगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाटएवर यू आर राइटिंग इन योर सीवी और रिज्यूमे, एनश्योर दैट यू आर एबल टू जस्टिफाई, वो बहुत ज्यादा जरूरी है शिवम, है ना। आप जो भी लिखे उसको जस्टिफाई करें, बट जो भी लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख डालें, वो लिखें जो कंपनी, मतलब उस कंपनी से रिलेटेड है, जो वो कंपनी मांग रही है, जो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, है ना। सो मेंशन दोस थिंग्स व्हिच इज व्हिच कंपनी इज लुकिंग फॉर फॉर, है ना, वो मेंशन करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल है। इट्स नॉट दैट यू आर मेंशनिंग व्हाटएवर यू वांट, यस सर, एट योर कन्वीनियंस, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन शिवम? सर मेरा क्वेश्चन है। यस सर, यस सर, मैंने पास्ट में एक इवेंट किया था, एक्चुअली उसमें 3 डेज का इवेंट था, तो उसमें मैं जो मर्चेंडाइजिंग पूरी सेंटर जो रहता है, सर मैं उसका हेड था, मतलब मैनेजिंग काम किया था, मैंने सबको मैनेज किया था वहाँ पे, एंड पेमेंट्स वगैरह सब कुछ।
तो सर वो रिज्यूमे में लिख सकता हूँ मैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में? ऑफ कोर्स, आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे तो वो एक टीम मैनेजमेंट का काम हो गया जो आपने किया. आई एम वेरी श्योर आपने उससे टीम लीडिंग स्किल्स सीखी होगी, टीम वर्क सीखा होगा, है ना, टीम को कैसे ड्राइव करते हैं वो सीखा होगा, टीम से बेनिफिशियल रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं आपने वो सीखा होगा. तो ये यकीनन आपको हाईलाइट करनी चाहिए. बट कुणाल, जब आपको वहां से वो पूछे, है ना, सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड टीम प्लेयर, है ना, तो आपको बताना चाहिए. बट आपको क्या बताना चाहिए कि कुणाल के हिसाब से एक अच्छे टीम प्लेयर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्वालिटीज क्या हैं, बाकियों की नजर से नहीं, वो किताबों की नजर से नहीं, वो इंटरनेट वाले मटेरियल की नजर से नहीं. कुणाल की नजर में व्हाट आर दोस क्वालिटीज दैट अ गुड टीम लीडर शुड हैव, है ना. अब वो पूछते हैं, कुणाल कैन यू शेयर मी एन एग्जांपल वेयर एक्चुअली यू ट्राइड योर बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट ड्राइव द रिजल्ट दैट यू वर एक्सपेक्टिंग, है ना. तो ऐसे में भी कुणाल को अगर ऐसा कुछ है, कुछ हुआ हो कभी तो बताइए, अगर नहीं भी कुछ हुआ हो तो आप बोल सकते कि सर एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर बट आई थिंक आई नेवर केम अक्रॉस सच बिकॉज माई टीम वॉज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिंग एंड आई वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. आई केप्ट आई गेव अ फ्री हैंड टू ऑल माई टीम मेट्स. आई हैड आस्क्ड, आई हैड इवन टोल्ड देम दैट इफ दे कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, नो मैटर हाउ ब्लिक द सिचुएशन इज, नो मैटर वॉट टाइम इज इट. So that is why we had that bonding wherein I took ownership and I did not come across such problem. ठीक है कुणाल, तो इस तरीके से जवाब आपको randomly, देखो मैं कैसे randomly दे रहा हूँ, है ना. Yes, sir. तो ऐसे दे सकते हैं. But there is nothing to worry कुणाल, because 17 तारीख को जो हमारा session है ना, 17th, आज आज is 14th और 17th को हमारा session interview पर है. उस पर बहुत सारे इनसाइट्स आपको जानने को मिलेंगे. मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर जैसे आपने अभी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ये सारी चीजें आपने सीखी हैं, आप जब आप वो इंटरव्यू वाले जो जो सेशन होगा हमारा, अगर आप उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे कुणाल. ऑलराइट, सो यू कैन राइट व्हाटएवर इज रेलेवेंट कुणाल, बट इट्स ओनली दैट यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई. आप उसको, आई हैव अ क्वेश्चन. यस हर्ष, यस कम ट्रू. जैसे कि मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेज टेक्टर्स में पार्टिसिपेट किया है और सर्टिफिकेट से मैं इनक्वायर कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे वेस्ट लगते हैं. हां ऑफ कोर्स. अच्छा, क्यों वेस्ट लगता है? अच्छा, आपने पार्टिसिपेट किया है? यस सर. किस चीज में पार्टिसिपेट किया है? चेस कंपटीशन में और क्विज में. ओके, नाउ यू सी, ओके, टेक्निकल क्विज, राइट. तो ये आप एक साथ आप इसको लिख सकते हैं अगर कहीं जगह बच रही हो ना, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अदर एक्टिविटीज करके, है ना, अदर एक्टिविटीज करके ये चेस और ये बाकी जो सारा चीज आपने किया है ना, उसको आप बेशक लिख सकते हैं. देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप में अटेंड किया था तो ब्लड डोनेट भी किया है सर, तो उसका सर्टिफिकेट भी है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, उसको भी आप अभी लिख सकते हैं. देखिए हर्ष, अभी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. ठीक उस तरीके से हर्ष, जब हम घर बनवाते हैं, मान लीजिए हमने नया घर बनाया, है ना, हम पुराने घर में रह रहे थे, हमने पुराने घर की सारी चीजें उठाकर हम घर पे ले आए और अब हमारे पास सामान का पूरा जखीरा पड़ा हुआ है, लेकिन पता चला वो उस घर में मैं कैसे बताऊं, बहुत सारे सामान लेकर आए, लेकिन आप वो सारा सामान आपने उस घर पर नहीं सजाया. क्यों नहीं सजाया? क्योंकि शायद अगर आप वो चीज उस नए घर में सजाते तो वो थोड़ा ऑड लगता. ऑड लगता, हाँ सर. वो थोड़ा ऑड लगता. शायद आपकी जो फ्लैट की जो कलर है वो शायद ब्लूइश है, है ना, या फिर वो क्रीम है या फिर पिंक है, लेकिन आपके पास जो मान लीजिए कोई पोस्टर वगैरह है, है ना, कोई पेंटिंग है, बट वो पेंटिंग जो है ना उस बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है, तो आपने क्या किया, उस पेंटिंग को आपने हटा दिया, है ना. या फिर आप क्या करेंगे, आप वो बैकग्राउंड पूरा चेंज करेंगे तब जाके पेंटिंग लगाएंगे. तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है हर्ष कि क्या ऐड करना है और क्या नहीं. तो क्या ऐड करना है क्या नहीं, ये डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट पर. कुणाल, फोर से कुणाल, जैसे कंपनी कहती है कि कंपनी रिक्वायर्स अ गुड टीम प्लेयर, है ना, अ गुड कम्युनिकेटर. तो अब यहाँ पर ये क्विज वाली जो बात है, आपने डिबेट किया है, तो डिबेट वाला यहाँ कम्युनिकेटर वाले में आ जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी करिए गुड टीम प्लेयर, तो मान लो आप स्पोर्ट्स कैप्टन रहे, आप टेक फेस्ट कोऑर्डिनेटर रहे, आप सीआर रहे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? टेक फेस्ट मॉनिटर,
है ना, टेक फेस्ट में थे आप, तो ये रेलेवेंट है, हमको वो लिखना है जो हमें प्रायोरिटी लगती है. मिसाल के तौर पे मान लीजिए यू आर डूइंग बीटेक हर्ष, है ना, और आपने बीटेक में मान लीजिए पाइथन पीएचपी ये सारी चीजें कर रखी हैं, लेकिन आप ऊपर कंप्यूटर अवेयरनेस में लिख रहे हैं विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, इसका कोई मायने है? नो सर, इररिलेवेंट है. क्यों? क्योंकि भैया विंडोज 2000 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, कौन सी बड़ी बात है? कोई बात हो गई लैंग्वेजेस नो नहीं आपने लिखा. ओके ओके, प्लीज म्यूट. किसका है ये? ओप्पो. कौन है? ओप्पो. हाँ, मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया. यस हर्ष, तो मैं क्या कह रहा था हर्ष, मैं क्या कह रहा था अभी? सर इररिलेवेंट टॉपिक नहीं डाल रहे हैं. हाँ, इररिलेवेंट टॉपिक नहीं डालना. अच्छा, मैं कुछ और भी कह रहा था, देखिए मैं भूल गया. अच्छा, दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? ओके, सी व्हेन एक्चुअली जब थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ जाता है ना, दैट फ्लो, वो थोड़ा फ्लो वो ब्रेक हो जाता है. सर हम भी भूल गए क्या बोल रहे थे आप. सर वो एग्जैक्ट वो दैट मोमेंट में भी भूल गए. कंप्यूटर सिस्टम के बारे में. हाँ, कंप्यूटर अवेयरनेस. करेक्ट करेक्ट, जागृति का दिमाग देखो, आइंस्टाइन वाला दिमाग. ओके, गुड लिसनर सर. गुड लिसनर, यस. ओके, सो यस, तो हर्ष मैं ये बता रहा था कि ये तो वही बात होगी जैसे कंपनी पूछ रही है आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है, आपने बोला सर मुझे हिंदी आती है, बुंदेलखंडी आती है. तो हिंदी आती कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारी मातृभाषा है. बुंदेलखंडी क्यों आती? क्योंकि आप जबलपुर के रहने वाले, वो क्षेत्र ही वही है आपका, है ना. तो हमें वो चीज लिखना चाहिए जो प्रायोरिटी हो, है ना, जो आपको लगता है हाईलाइट किया जाना चाहिए. अभी हम जो है, जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ना, जब आप हमारे साथ बैठेंगे, पर्सनल अटेंशन जब मैं आपको दूंगा, तो मैं आपको यही कहने वाला हूँ. हमारा जो पहला जो तरीका होता है हर्ष आपसे बता कहने का, वो ये होता है कि हर्ष बचपन से लेकर अब तक बीटेक तक जितनी भी अचीवमेंट्स आपकी रही हैं वो सारी चीजें लिख लो. अच्छा, जितने भी फेलियर्स रहे हो वो सारी चीजें लिख लो. जो स्ट्रेंथ्स है ना आपके वो सारे लिख लो. क्या वीकनेसेस है वो सारे लिख लो, है ना. क्या कोई स्कॉलरशिप मिली है वो सारे लिख लो, है ना. हाईएस्ट मार्क अचीवमेंट्स कौन से रहे वो सारे लिख लो. तो वो पॉइंट्स में पहले आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, और फिर आपको मैं सीवी बनवाने की फिर उस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ, इंस्ट्रक्ट करता हूँ. फिर आप उसमें से वो जो रेलेवेंट वाली चीजें हैं ना, yes, अपने उस खजाने से आप वो रेलेवेंट चीजें आप ऐड करते रहते हैं जो मैं आपको बताता हूँ. सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट, है ना. बट इफ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट फॉर एनीथिंग, देयर इज नथिंग टू वरी, इट जस्ट दैट यू शुड हैव नॉलेज. मैंने जैसे वो चंडीगढ़ वाले लड़के का दिखाया है ना आपको, उसका बताया वो कलाम सैटेलाइट, दसवीं करके कोई नासा नहीं पहुंचता, बट सी ही रीच्ड नासा. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. आपको तो पता है कि अभी गूगल जो है 10वीं 12वीं पे भी बच्चों को हायर कर रहा है. अब तो और भी हो रहा है, ये व्हाइट हैट जैसी कंपनियां देख रहे हैं आप, क्या कर रही है व्हाइट हैट जैसी कंपनियां, कोडिंग सिखा रही है बच्चों, कोडिंग सिखा रही है, बच्चे ऐप बना रहे हैं, और जाहिर सी बात है हाँ छोटे छोटे बच्चे एंड दे विल बी हायर्ड. अभी रिसेंटली दो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 15-20 दिन पहले की बात है कि शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था जिसको गूगल ने अभी हायर किया है. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, इंडियन बच्चा है, 15-20 दिन पहले की बात है, उसको हायर किया. ये सर आपने बताया था शायद 12 इयर्स का था. हाँ नहीं, वो तो चंडीगढ़ वाला लड़का था, चंडीगढ़ वाला था वो, तो चंडीगढ़ वाला था वो, तो 2-2.5 साल पहले की बात है. अभी की बात मैं कर रहा हूँ, 15-20 दिन पहले की बात है ना, समबडी वॉज हायर, है ना. सो आजकल देखो कुणाल, हर्ष, कपिल, आरती सभी समझ ले, शिवम वगैरह सभी, अनुषा, that skill sets are preferred better than the degrees. मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक, I'm sure you would have seen internshala.com, देखा है आपने? Yes, yes, sir. है ना? Internshala पे आप जाएंगे, या फिर अभी आप Google या Microsoft, HP, Dell, इनकी वेबसाइट जाकर आप खोल कर देखिए, करियर ऑप्शन में देखेंगे, you will find कि वो BTech कहीं भी नहीं मांग रहे हैं. Yes, चले एक बार आपको खोल कर ही दिखाता हूँ. Yes, relevant skills बोलते हैं कुणाल, absolutely, है ना कुणाल. For example, if I'm 10+2, no matter, अगर मेरा C++ बड़ा strong है ना, coding skills strong है, तो मैं coder बन जाऊंगा, programmer बन जाऊंगा. मुझे Java, HTML, Linux, DBMS, MySQL आता है, BTech नहीं हूँ, लेकिन मैं web developer बन जाऊंगा, है ना. तो आज क्या है की स्किल्स पे बात हो रही है, और शायद यही कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी सरकार लाने की कोशिश करेगी. Yes, sir. है ना तो बचपन में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें हम आगे बढ़ रहे होंगे. ओके, सो नाउ एनी अदर क्वेश्चन?
सर जैसे एक मैंने स्पोर्ट्स फेयर में भी पार्टिसिपेट किया था बट उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो सर वो पॉइंट कैसे मैं वैलिड कर सकता हूँ कि हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था? और नाउ सी जाहिर सी बात है वो जब आपसे सवाल पूछे व्हिच स्पोर्ट डिड यू एक्चुअली प्ले इन, यस कौन सा स्पोर्ट? सर बैडमिंटन था। बैडमिंटन खेला, तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना, बैडमिंटन के रूल्स आपसे पूछ सकते हैं, आपसे थोड़ा बैडमिंटन के जो चैंपियंस रह चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं, है ना, अगर आप कहते हैं आपने बैडमिंटन खेला है, हो सकता है बैडमिंटन में जो किस वो किस मतलब रूल्स क्या है उसके, है ना, वो मेरे को ज्यादा पता नहीं, बस मेरे को पता है कि मैं खेल लेता हूँ वन लव टू लव ऐसे करके, तो हो सकता है कि बैडमिंटन पे आपसे कुछ सवाल पूछे, है ना, और आपसे कुछ वाक्या भी पूछे, है ना, कि द फाइनेस्ट मैच दैट यू मेड इन द इन योर लेटेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट, है ना, तो आप बता सकते हैं कि मेरे सामने वो था एंड वाज डिफिकल्ट, ही वाज वेरी टॉल, ही वाज 6.5 एंड आई एम 5.8, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर द स्मैशेस दैट ही वाज मेकिंग फ्रॉम द अदर एंड, बट यू नो व्हाट, आई प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम एंड आई थॉट दैट दिस स्मैश शुड बी हिट दिस वे एंड इट रियली वर्कड, एंड है ना, तो इस तरीके से आप समझ रहे कुणाल, देखो मेरे को ज्यादा पता नहीं बैडमिंटन के बारे में, है ना, तो इस तरीके से आप शायद उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है, तो आप जो भी लिखे कुणाल, यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट, दैट्स ओके, है ना, बट इसका मतलब नहीं कि बीटेक का सर्टिफिकेट नहीं है, अब भाई बीटेक मांग रहे तो बीटेक का तो होना चाहिए, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज तो है वो काम करेगा, ठीक है, सो यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई कुणाल, योर राइटिंग कुकिंग, है ना, अच्छा देखो एक और चीज मैं बता दूं, मान लो कि आरती ने लिख रखा है अपनी हॉबीज में सिंगिंग एंड वॉचिंग मूवी, ऑलराइट, सिंगिंग एंड वॉचिंग मूवी, तो पता चला रिक्रूटर ने पूछा आरती से हु इज योर फेवरेट सिंगर, नहीं लिसनिंग टू, सॉरी आरती ने लिखा लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज, तो रिक्रूटर ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन, तो आरती ने बोला सर आई लिसन डिवोशनल म्यूजिक, यानी कि भक्ति गीत, और फिर आरती ने पूछा ओके हु इज योर फेवरेट सिंगर, अब आरती कहती है योयो हनी सिंह, अब आप समझ रहे हैं? Yes, sir. क्या समझा आपने? सर टॉपिक कुछ और था बट आंसर राइट, आरती ने बोला भाई योयो वो भक्ति गाने सुनती है तो मतलब शायद येसुदास, अनूप जलोटा, है ना, अनुराधा पौडवाल के कुछ ऐसे गाने सुनती होंगी, लेकिन उन्होंने सिंगर का नाम क्या बताया, योयो हनी सिंह, है ना, तो ऐसे में क्या करना होगा आरती को, आरती को इंश्योर करना होगा कि वो पूरी तैयारी करके जाए कि भाई अगर सवाल पूछे तो उनको भक्ति गीत जो गाते भाई उनके नाम वो बता दे, है ना, नहीं तो बाद में पता चला कि पोल खुल जाएगी कि झूठ पता चल जाएगा, भाई फैन ये योयो सिंह के हैं लेकिन इम्प्रेस करने के लिए कह रही हैं भक्ति गीत सुनते हैं, है ना तो अच्छा वॉचिंग मूवी इनका मान लीजिए आरती का हॉबी है, तो वॉचिंग मूवी पे ज्यादा सवाल नहीं होगा, बस पूछ सकते हैं कि किस तरह की मूवीज आपको देखना पसंद है, है ना, तो इन्होंने बोला हॉरर आरती ने, फिर उसने पूछा कि कोई ऐसा डायरेक्टर बताओ जिसकी आपने अभी लेटेस्ट में कोई हॉरर मूवी देखी है, तो आरती ने बोला सर आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द डायरेक्टर बट दिस इज द मूवी दैट आई वॉच्ड, अब इस पे कोई सवाल नहीं होगा आरती से, क्यों, क्योंकि आरती के लिए वॉचिंग मूवी सिर्फ और सिर्फ हॉबी है, और हॉबी का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग इन लेजर टाइम, फ्री है तो हमने कर लिया, है ना, बोर हो रहे तो हमने गाने सुन लिए, ये हॉबी हो गई, बट अगर किसी का इंटरेस्ट है वॉचिंग मूवी तो उसको सब कुछ पता होगा, अब वॉचिंग मूवी आरती के लिए हॉबी है तो ज्यादा सवाल नहीं, बट मेरे लिए वॉचिंग मूवी इंटरेस्ट है क्योंकि शायद मैं आगे जाकर फिल्म मेकर बनना चाहता हूं, फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो उस लिहाज से अगर मेरे से रिक्रूटर कई सवाल कर सकता है ना, कह सकता है कि कैन यू टेल मी अबाउट योर फेवरेट फिल्म डायरेक्टर, तो मैंने बोला यस सर आई वुड लाइक टू टॉक, माय फेवरेट डायरेक्टर इज नीतीश तिवारी, ओके नीतीश तिवारी के बारे में कुछ बताइए, तो मैं अब नीतीश तिवारी के बारे में उनको यकीनन कुछ ना कुछ जरूर बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि वॉचिंग मूवीज माई इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट है तो उस पर जाहिर सी बात है आपकी जानकारी और होनी चाहिए, है ना, तो ये होता है, ठीक है, एनीथिंग एल्स खैर ये सारी इंटरव्यू की चीजें ये हम बाद में भी डिस्कस कर रहे होंगे, आप ये सारे सवाल आप स्टोर करके रखिए, इसमें हम इन सब पे हम डिस्कशन जब
इंटरव्यू वाले सेशन हो रहा होगा तब करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. नो. ओके चलो फिर नाउ लेट मी असाइन यू द टॉपिक. मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, पहले आपको रूल बता दूंगा, है ना. रूल नंबर वन, मैं चैट बॉक्स में लिखता जा रहा हूं. यस सर, चैट बॉक्स में हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब. यस. ओके अच्छा ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, बेहतर होगा. आई एम राइटिंग इट ऑन व्हाइट बोर्ड. कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? यस सर. या ओके. यस सर. ओके आई एम नॉट एबल टू राइट. Just a minute, friends, I'm writing. Okay, so rule number one, duration for presentation will be for 5 minutes. Point number two, slides four, maximum four slides, excluding welcome and thank you. अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, जब हम प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा स्लाइड कैसे बनाते तो आप कहेंगे ओ माई गॉड ऐसे बनाया जाता है स्लाइड. नंबर थ्री, पोस्ट प्रेजेंटेशन इनवाइट क्वेश्चंस. नंबर फोर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल स्कोर instrumental score in background. Number five, in case of video edition, presentation would be extended for 5 + 3, that is 8 minutes. Okay, so can you all see? Yes, sir. Yes. See, the duration for your presentation would be 5 minutes. I mean, you have to speak for 5 minutes. All right. Now, see, you have to ensure one thing, that is, कि आप अपना presentation आप practice करेंगे. All right. Practice करके देखिएगा कि वो presentation आपका जो है ना 5 से 5.25 मिनट तक खत्म हो जाए. अगर आप 5 मिनट के आगे तक आप जा रहे हैं तो you will be stopped then and there itself. आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा. And you will not be able to एंड फिनिश योर प्रेजेंटेशन. तो एक नेगेटिव इवैल्यूएशन होगा जिसकी वजह से आप वो ऑन रिकॉग्निशन की रेस से आप बिल्कुल बाहर हो चुकी हो. द मैक्सिमम स्लाइड, द कंटेंट स्लाइड शुड बी 4 इन नंबर. सिर्फ 4 स्लाइड होंगे, है ना. ऊपर जो एक जो पहला स्लाइड होता है जो टॉपिक वाला, उसको छोड़कर, और लास्ट में थैंक यू वाला, उसको छोड़कर, है ना. यानी कि टोटल 6 हो सकते हैं, बट 4 कॉन्टेंट वाले होंगे. पोस्ट प्रेजेंटेशन यू हैव टू इन्वाइट क्वेश्चन. प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्वेश्चंस इनवाइट करना है. जैसे आपका प्रेजेंटेशन एंड हो गया, आप कह रहे हैं कि सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, एनी क्वेश्चंस, वुड लव टू आंसर, है ना. इस तरीके से पॉइंट नंबर 4, इंस्ट्रूमेंटल स्कोर इन बैकग्राउंड. इंस्ट्रूमेंटल स्कोर इन बैकग्राउंड मतलब ये जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, ये टॉपिक आपका इस बार मोटिवेशनल
या सोशल होने वाला है. यू विल बी डिलीवरिंग ऑन ईदर ऑफ दीज टॉपिक्स. ईदर योर टॉपिक वुड बी मोटिवेशनल और इट विल बी सोशल. तो अपने टॉपिक के हिसाब से आपको बैकग्राउंड में एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाना होगा, बट दैट म्यूजिक शुड नॉट बी अ बॉलीवुड नंबर. वो बॉलीवुड नंबर नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल स्कोर इन बैकग्राउंड. राइट. इन केस इफ यू आर एडिंग एनी वीडियो इन योर प्रेजेंटेशन, मान लीजिए आपने कोई वीडियो भी एड किया प्रेजेंटेशन में, तो इस केस में आपको हम 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि आपका प्रेजेंटेशन विल एक्सटेंड फॉर 8 मिनट्स, 5 से 8 मिनट का हो जाएगा. इफ यू आर नॉट एडिंग एनी वीडियो तो यकीनन सिर्फ 5 मिनट. इन केस यू आर एडिंग एनी वीडियो यू विल बी गिवन 5 + 3, दैट इज 8 मिनट्स. इज दैट क्लियर? यस सर. व्हाट काइंड ऑफ वीडियो सर? A motivational video. I mean, for say, जैसे मान लो कि कुणाल, your topic is save trees. तो there are a lot of videos available on deforestation, afforestation, global warming, है ना? तो वो relevant video आप दिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं. Okay, okay, sir. So ये जो 4 slides है, excluding thank you and welcome ना, sir? Yes, yes. ये contents के 4 होने चाहिए. Yeah, main, yes, main, yeah, 4 content, yes, yes. Yes, sir. Okay, now you see. इसके पहले हमें कोई आर प्रेजेंटेशन डज नॉट गेट हैम्पर्ड. सो व्हाट विल डू 16 तारीख को आपका प्रेजेंटेशन है, तो 16 तारीख को ओके 14 तारीख को, ठीक है, यानी कि परसों 14 तारीख को जब ये प्रेजेंटेशन हमारा खत्म, जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा 2:30-3 बजे, उसके बाद मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप सब मेरे साथ 1:1 टाइम स्लॉट ले लीजिएगा और एक एक करके जरा आप अपना प्रेजेंटेशन रन करके देख लीजिएगा, है ना? ये देख लीजिएगा कि भाई मेरा प्रेजेंटेशन स्मूथली रन कर रहा है या नहीं. पता चला टाइमर स्टार्ट कर दिया एंड यू आर नॉट एबल टू रन योर वीडियो, है ना, या फिर यू हैव प्लेड द वीडियो बट द वॉइस इज नॉट रीचिंग, है ना. आपने बैकग्राउंड स्कोर, आपने अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने के लिए आप क्या करना, एक डिवाइस अलग से रखना, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने के लिए. क्वेश्चन. यस प्लीज. सर मैंने कभी प्रेजेंटेशन ऐसा दिया नहीं है सर, तो क्या मैं एक एग्जांपल देख सकता हूँ सर, ये जो आपने दिए हैं टॉपिक्स इसके अंदर में होंगे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है. अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है मैं एक मिनट आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं सारा सेट करता हूँ. आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर. ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन देकर दिखाता हूँ. ओके, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ पीपीटी जिससे मैं आप सभी को समझा सकूं. आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर. यस सर. यस, ठीक है. मान लो कुणाल. यस सर. है ना, मेरा नाम लिया गया, मे बी प्लीज वेलकम सतीश आनंद फॉर द प्रेजेंटेशन. अब मैं आ गया, है ना, ये मेरा पीपीटी है, आपको दिख रहा है? यस सर. ठीक है, अब देखो मैं एक रेलेवेंट ऑडियो प्ले कर रहा हूँ. सर मेरे को नहीं दिख रहा सर. अच्छा, आप में से और किसको नहीं दिख रहा है? हमें भी नहीं दिख रहा सर. किसको नहीं दिख रहा? सर सर्किल सर घूम रहा है बस. कुणाल आपको दिख रहा है? यस सर. क्या दिख रहा है? सर बेबी, बेबी इज इन द वॉर्म. यस करेक्ट भाई, देखो इन सभी को दिख रहा है. आप सबके कनेक्शन में थोड़ा इश्यू होगा मुझे लगता है. जी सर. एक बार आप रीचेक करिए. ओके सो नाउ यू सी कुणाल. यस सर. स्टार्टिंग वगैरह कैसे करनी है ये मैंने आप सबको पब्लिक स्पीकिंग बता दिया. अब आप देखो मैं शुरू कर रहा हूँ.
आई एम प्लेइंग द ऑडियो, जरा गौर से सुनना, देखो ऑडियो प्ले कर रहा हूँ. रेडी एवरी वन, गिव मी थम्स अप, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ रेडी. ओके सो हियर वी गो. देखो imagine a day when does not find his mother there. Imagine a day when a husband goes back to his house and does not find his wife there. Imagine a day when Rakshabandhan is on head and a brother goes back to his house, does not find his sister there. This world will be no more a better place to live only because a wife, sister, daughter won't exist on this planet, and this planet will become a hell. Boys and girls, it's high time. Let's stand together and save girl child. Good morning, everyone. My name is Satish Anand, and that's the topic for today. Ori Chiraiya is a beautiful song that we feel deep within our heart and soul. We somewhere feel the importance, we somewhere feel that baby girls are actually the beautiful gift given by the Almighty. But even then, सबका वही लगता है. Hello. 50 years से लेकर 30 years तक. Hello. Hello. Was I audible? I mean, क्या मैं audible था? आपको आइडिया मिला कैसे करना है? अरे यू डोंट हैव एनी लैपटॉप सिस्टम, व्हाट यू कैन डू, यू कैन, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यू कैन शेयर मी द प्रेजेंटेशन. नो, आप अपनी पीपीटी वगैरह मुझे शेयर कर देना, आई विल रन फॉर यू, मैं आपके लिए चला दूंगा. ओके सर. बट उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ मी, उसके पहले आपको मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, है ना? Yes, हर्ष, 5-10 मिनट के लिए एक पर्सनल फोन कॉल करके या जूम कॉल के थ्रू जरा मेरे से बात कर लेना कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, सो दैट आई नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू और मुझे किस तरीके से मूव करना है. इज दैट क्लियर? यस. सो हाउ डू यू फाइंड माई प्रेजेंटेशन, कैसा लगा आपको? राइट. So you see, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन देखा आपने? यस, थैंक यू कपिल. सी माई वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा था? वो जब जैसा म्यूजिक चल रहा था ना, मैं उसी तरीके से बोल रहा था, मेरे एक्सप्रेशंस वैसे थे, मेरे स्टेटमेंट उस तरीके से निकल रहे थे, आई वॉज जस्टिफाइंग कंप्लीट थिंग्स, सब कुछ मैं जस्टिफाई कर रहा था. सिमिलरली जब आप कर रहे होंगे तो आप सबको भी जस्टिफाई करना होगा. आप देखिए, ये जो बेबी वॉर्म था, है ना, कुछ लोगों को लगा हो कि शायद कि मैं इन्फेंटिसाइड पे बात करने वाला हूँ. इन्फेंटिसाइड जानते ना? यस सर. यस, है ना, नवजात शिशु की हत्या, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं. अपने भ्रूण हत्या इज डिफरेंट थिंग, भ्रूण हत्या इज फिटिसाइड. ओ सर, या ना हर्ष, फीमेल फिटिसाइड इज भ्रूण हत्या, ठीक है, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट फीमेल फिटिसाइड, यानी कि सेव गर्ल चाइल्ड वॉज माई टॉपिक. तो देखा मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक नजर नहीं आने दिया, मैंने क्या किया, एक इमेज लगा दिया और वहां से शुरू किया, फिर दूसरा मूव किया, तब आया सेव गर्ल चाइल्ड. तो इस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन डिलीवर करना होगा. एनी क्वेश्चंस? खैर, इस पर मैं आपको इनसाइट ना, आपको कब बोल रहा हूं मैं देने के लिए, 14 तारीख को आपको इनसाइट दूंगा, ठीक है? नहीं, 14 को, हाँ 14 को बोला ना मैंने आपको. यस सर. यस, 14 को मैं आपको इनसाइट दूंगा. यस, ओके. सो नाउ शैल आई असाइन यू ऑल द टॉपिक, टॉपिक असाइन करूं आपको? यस सर. Yes, sir. Yes. अच्छा, अभी देखो, वो जो ऑडियो प्ले चल रहा था ना, ओरी चिरैया, वो मैं अपने फोन पे बजा के किनारे रख दिया था. तो आप सब भी उस दिन ऐसे ही कर लीजिएगा, एक डिवाइस और रख लीजिएगा जिसमें प्ले हो रहा हो, ठीक है? बट देख लीजिएगा कि आपकी वॉइस कहीं अंडर पावर तो नहीं हो रही है उस ऑडियो से, कहीं वो ऑडियो वाली आवाज वो ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है. सो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको चेक करनी होगी, ठीक है? सो आई एम गिविंग द टॉपिक, हाउ मेनी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? प्लीज, कितने लोग? ओके, गिव मी थम्स अप, या ठीक है कुछ ऐसा. भाई देखो, बड़े कंजूस हैं कुछ लोग, अपना अंगूठा भी नहीं दिखा देते कोई. मैं द्रोणाचार्य थोड़ी ना हूं कि अंगूठा आप देंगे मैं से काट के रख लूंगा. देखो काजल को, देखो कौशल को, देखो अनुज काइक खान को, देखो प्रियंका मनेश्वर, इनका तो अंगूठा ही नहीं उठ रहा है, ठीक है?
ओके चलो तो टॉपिक फॉर यू शिवम शिवम यस सर हाँ ठीक है कुणाल यू आर रेडी विद द पेन यस सर यस ओके शिवम टॉपिक फॉर यू इज सेव ट्रीज ओके सर यस ये सोशल टॉपिक हो गया यस सर है ना ये दिस इज अ सोशल टॉपिक और प्रिया प्रिया कसारे वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है प्रिया कोई जवाब नहीं आया दीपिका वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट यस प्रिया हमेशा याद रखना पता नहीं आप मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे लेकिन मैं आपको बता दूं बड़ी खुशी होगी तब जब आपके पिताजी आपके माताजी को ये खबर मिलेगी कि भाई प्रिया ने कुछ अचीव किया है ठीक है तो थोड़ा वो मौका तो दो अपने माँ बाप को गर्वान्वित महसूस करने का है ना ये बेहतर नहीं कि भाई सुनो या ना सुनो पार्टिसिपेट ही नहीं करना खैर दीपिका यस सर टॉपिक फॉर यू इज वीमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण ठीक है अंकित अंकित यस सर यस अरे अंकित अंकित बाद में बात करना आपका बहुत डिस्टर्बेंस सर मैं बाइक में हूँ सर ओ भाई मेरे चलो अंकित बाद में आपसे आपको टॉपिक दूंगा ओके कुणाल यस सर कुणाल टॉपिक फॉर यू इज विंग्स ऑफ होप ओके सर इट्स अ मोटिवेशनल टॉपिक विंग्स ऑफ होप भगवान सिंह यस सर टॉपिक फॉर यू इज पावर ऑफ डिटर्मिनेशन यस सर राइट इट्स अ मोटिवेशनल टॉपिक प्रियंका प्रियंका ओके कपिल यस कपिल आपका टॉपिक है फीमेल फिटिसाइड ओके सर भ्रूण हत्या ऑलराइट फीमेल फिटिसाइड मतलब जान रहे हैं ना जो बेबी गर्ल किलिंग होता है मतलब सेव गर्ल चाइल्ड ही समझ लीजिए आप सेव गर्ल चाइल्ड ले लीजिए आप कपिल ठीक है यस हर्ष यस सर हर्ष योर टॉपिक इज पॉजिटिव साइकोलॉजी यस सर दीपेश सर दीपेश योर टॉपिक इज try again ओके सर यस काजल सर सर ये लास्ट वाला किसका था दीपेश ओके सर ओके काजल यस सर यस काजल आपका टॉपिक बता रहा हूं मैं ग्लोबल वार्मिंग ऑल राइट सो काजल फॉर यू इट इज ग्लोबल वार्मिंग काइद खान सर यस काइद खान योर टॉपिक इज ह्यूमैनिटी ओके सर यस आरती यस सर आरती योर टॉपिक इज इंडियनिज्म यस सर
Indianism. Kamlesh? Yes, sir. Kamlesh, your topic is don't limit yourself. Yes, sir. Don't limit yourself. Yes. Yes. Jagriti? Sir. Your topic is circumstances are opportunities. Yes, sir. Kaushal? Yes, sir. Kaushal, your topic is... Yes. Kaushal, your topic is... Just a minute. Your topic is motivation. Okay, thank you, sir. Yes. Rahul? Yes, sir. Rahul, your topic is life should be a message. So I've just entered in the webinar. So will you please let me know what exactly I have to do? Okay, Rahul, I'll let you know that later. It is a presentation that you are supposed to deliver on 16th. Okay, sir. All right. I'll explain you later. As of now, your topic is life should be a message. Yes. Nikhil? Yes, sir. Your topic is gender discrimination. All right, it's gender discrimination. Yes. So Kunal, I hope you have jotted all the topics that has been assigned to the participants. Kunal, आप एक बार बोलते जाओ, ये अपने आप करते जाएंगे, कंफर्म करेंगे. Okay, Kunal is reading the name of the participant along with the topics assigned. All right. अगर आप जिसका भी नाम लेते टॉपिक लेते प्लीज वो थम्स अप करके बताएगा. Yes, Kunal, please go ahead. अंकित, आप अपने आप को म्यूट करें. Yes, Kunal. Sir, Shivam ka, sir, save trees. Okay. Yeah. And Harsh ka, positive psychology. Hmm. Yeah, same. Dipesh, try again. And Kajal, global warming. Okay. Sir, Kaid Khan ka ek var confirm nahi hai mujhe. Kaid, what is your topic? My topic is humanity. Humanity. Okay, sir. And then Kamlesh ka, don't limit yourself. Kamlesh? Yes, sir. Yeah, okay. Kaushal ka, motivation. Then Rahul, life should be a message. Okay. Nikhil Malvi, gender discrimination. Jagriti, circumstances are you opportunities? Circumstances are opportunities. Circumstances are opportunities. Okay, sir. And Deepika, women empowerment, okay. Kapil Kushwaha, female fratricide. Okay, same girl child. Let it be same girl child. Okay, sir. Bhagwan Singh, power of determination. Yes. And mine is Wings of Hope. Wings of Hope. Okay, Ankit ka likh lijiye, Ankit Kushwaha ka. Yes, sir. For Ankit, it is... never give up. Okay, sir. Yes, Jagriti. This is your topic. Circumstances are opportunities. Okay. So now see, I have assigned you all the topic. परसों 14 को आप कोशिश करेंगे. अच्छा ठीक है, क्या मैं आपको पीपीटी पे आज ही डिस्कशन आपको आज ही बता दूं आप सभी को? Yes, sir. So that you start preparing, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Better रहेगा. Yes, yes. Okay. Okay, fine. Now you see, पीपीटी कैसे बनाते हैं उस पर हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं पहले.
बट उसके पहले कैन आई हैव एक्सेस टू एनीबॉडीज पीपीटी? आप सब ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह डिलीवर किए हैं ना? यस सर। यस, तो चलो सर हम, अच्छा yes, नहीं दिया, जिसने किया है क्या अपना पीपीटी मुझे शेयर कर सकता है? अगर मेल पे पड़ा हो तो, देखो शिवम ने किया है, प्रियंका ने किया है, क्या कोई मुझे शेयर करेगा अपनी पीपीटी? Can anybody share his or her PPT? Shivam? Priyanka? Am I audible? Yes, sir. Yes, PPT yes, dikhaoge aap mujhe? Yes, PPT dikhaoge aap mujhe? Arre bhai, haan na bataiye. पीपीटी दिखाएंगे आप सब मुझे अपनी? हेलो, आर यू ऑल लिसनिंग मी? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जागृति, आप क्या, मैं सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। ओ भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या मुझे कोई पीपीटी देगा? अगर किसी के पास है तो कोई बोल ही नहीं रहा। सर मेरे पास नहीं है सर, अभी तक नहीं दिया सर मैं। ओके ओके, आरती आपका टॉपिक इंडियनिज्म नहीं है, इंडियनिज्म है। देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, इंडियनिज्म मतलब भारतीयता है ना। देखो मैं लिख के भेजा, दिखा आपको? यस, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको पीपीटी एक दिखाता हूँ। देखो, आई एम गोइंग टू शो यू वन पीपीटी। आप देखना, बताना मेरे को ये की है पीपीटी आपको कैसी लग रही है आपको? देखो आप, अच्छा मैंने अभी तक आपको जितनी भी पीपीटीज दिखाई है वो सारी पीपीटीज आपको कैसी लगी? आपने जितनी पीपीटीज मेरी देखी वो सारी पीपीटी आपको कैसी लगी है अभी तक? सर अच्छी लगी सर। अच्छी लगी है, ओके ठीक है। ओके, मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ कोई झुल्ली पुल्ली टाइप की पीपीटी हो जो आपको दिखाऊं। झुल्ली पुल्ली मतलब ऐसे ही कोई, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड। सरप्राइज शैरन, राइटिंग प्रोसेस, ये देखते हैं। ओके, दिख रही है आपको स्क्रीन? दिख रही है आप सभी को? यस सर। क्या दिख रहा है आपको अभी? सर फाइल मैनेजर विजिबल है। ओ अच्छा, ठीक है। अब देखिए। यस सर, नाउ विजिबल। क्या दिख रहा है आपको? इंप्रूव्ड रीडिंग स्किल्स। हाँ, तो बताइए बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा सर। अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये घटिया है, ये बिल्कुल बेकार का बैकग्राउंड है। अब आप और देखो, ये कैसा है? सर बहुत ही अट्रैक्टिव। What are all these kids doing here? बहुत अच्छा है सर। हाँ, ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है, ये बिल्कुल बेहतर है, ये बिल्कुल बेहतर है, ठीक है। यस सर। अब और देखिए आप, ये कैसा है? ये कैसा है बताइए? सेम है ये उस वाले जैसा। ओके यस।
ठीक है, चलिए अब आप सभी से एक सवाल है मुझे। अब आप सब मुझे ये बताइए कि ओके चलिए मेरे से बात करिए अभी। आईबीएम का ऑफिशियल कलर क्या है? आईबीएम किस कलर में लिखा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किस कलर में लिखा जाता है बताइए मुझे। ब्लैक कलर। ब्लैक? यस सर, रेड ब्लैक। आईबीएम रेड और ब्लैक में लिखा जाता है? मुझे यही याद रहा सर। ब्लू ब्लू में। अच्छा, वो व्हाइट और ब्लू में है। ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए एसबीआई का आपको एसबीआई में आपको क्या क्या कलर दिखते हैं? ब्लू व्हाइट। ब्लू ब्लू व्हाइट ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कलर बताइए क्या क्या दिखता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको कौन कौन से कलर दिखते हैं? कमान आंसर में फास्ट है, मेरे को जल्दी बताइए। ब्लू एंड व्हाइट। उसमें रेड एंड रेड। ओके शायद ब्लू होगा बट रेड और व्हाइट तो जरूर है। चलो दूसरा एचडीएफसी बताइए। रेड और व्हाइट है। रेड और व्हाइट है, ब्लू भी है? हाँ डार्क ब्लू है। यस ठीक है। चलो अब मुझे एचपी का बताओ, एचपी का लोगो, एचपी का कलर बताओ, एचपी जो लिखते हैं। ब्लैक व्हाइट। ओके ठीक है, व्हाइट ब्लू भी है उसमें, व्हाइट और ब्लैक भी है। ठीक है अब दूसरा सवाल बताओ मुझे, मैकडी का कलर क्या है? येलो और रेड। येलो रेड ठीक है। अब मुझे आप बताओ और किसका पूछूं, टाटा स्काई का कलर बताओ? टाटा ब्लू व्हाइट। ब्लू व्हाइट रेड। यस सर। ठीक है अब चलो मेरे को आप बताओ, रिपब्लिक भारत चैनल देता है ना उसका कलर बताओ? उसका रेड और व्हाइट। अच्छा चलो जी न्यूज का रेड व्हाइट। रेड व्हाइट। रेड व्हाइट। जी न्यूज का बताइए। रेड व्हाइट। रेड व्हाइट। आज तक का बताइए। रेड व्हाइट। रेड व्हाइट है। इंडिया न्यूज का बताइए। इंडिया टीवी पे रेड व्हाइट है। हाँ इंडिया टीवी पे रेड व्हाइट नहीं भाई, इंडिया टीवी पे थोड़ा येलो भी है थोड़ा ब्लू भी है। ठीक है तो ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं ना रेड व्हाइट ब्लू व्हाइट है ना येलो व्हाइट, इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल कलर। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कलर। ऑफिशियल कलर। मान लो कुणाल मान लो यू आर डिलीवरिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन टीसीएस। किस पे डिलीवर कर रहे हैं कुणाल? टीसीएस। तो टीसीएस का कलर ऑफिशियल कलर क्या है? ब्लू एंड व्हाइट। तो अब आपको शो करना है कि आपके पूरे पीपीटी में ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको मैं ये दिखाता हूँ, एक पीपीटी देखो आप, है ना। मैंने ना बैंक ऑफ अमेरिका, जानते हैं आप बैंक ऑफ अमेरिका? नो सर। नो ओके। बैंक ऑफ अमेरिका एक बड़ा माना जाना बैंक है, खैर इंडिया में उसके कुछ ही जगह पर ब्रांचेस हैं। मैंने इस कंपनी को एक प्रेजेंटेशन डिलीवर किया था 1.5 साल 2 साल पहले। अब आप देखो सर बैंक ऑफ अमेरिका का कलर क्या दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बताओ। सर अभी ओपन हुआ। ओपन नहीं हुआ। थ्री ऑफिशियल कलर्स ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, समझ में आ रहा है? कौन से तीन कलर है ऑफिशियल कलर है? व्हाइट ब्लू एंड रेड। व्हाइट ब्लू एंड रेड। अब दूसरा सवाल, अब क्योंकि व्हाइट ब्लू और रेड आपको पता चल गया ये उसका ऑफिशियल कलर है, तो जो स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या रखेंगे आप? इन तीन में से कोई एक। हाँ इन तीन में से कोई एक, बट दिमाग लगाओ कौन सा करोगे? ब्लू। ब्लू करोगे? क्यों ब्लू करोगे?
वाइट करोगे, वाइट कलर, वाइट करोगे, क्यों वाइट, क्योंकि वाइट पे सारे कलर बड़े आसानी से कमाल के दिखते हैं, दिखते हैं, बट अगर ये रेड पे अगर आप ऑरेंज लगाओ चलेगा क्या जागृति? नो सर, अच्छा ब्लू पे, ब्लू पे आप जो है ग्रीन लगाओ अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बट व्हाइट पे ग्रीन लगाओ, पर्पल लगाओ, वायलेट लगाओ, ऑरेंज लगाओ, कोई भी लगाओ दुनिया का कलर, वो साफ दिखेगा, दिखेगा, करेक्ट. सो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट व्हाइट शुड बी द बैकग्राउंड. अब आपको ये समझना है कि रेड और ब्लू कैसे यूज करोगे, देखना चाहोगे कैसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now you see, now you have understood. Yes? Sir, मैंने एक PPT send. अच्छा ठीक है, मैं अभी उसको देख लूंगा. ठीक है, किसने भेजा मुझे? प्रियंका. प्रियंका. Okay. So देखिए, मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ आपको, है ना. If you are delivering a presentation for any company, है ना, आप यहां तक जैसे आपको सेव गर्ल चाइल्ड दिया मैंने, है ना, तो वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का एक अभियान हमारे देश में चल रहा है. सेव ट्रीज का भी ऑफिशियल कलर होगा, जाकर देख लेना. ठीक है, तो सबका होगा, तो उसी हिसाब से आप अपना चूज करेंगे. सो बैंक ऑफ अमेरिका हैज गॉट 3 ऑफिशियल कलर्स एंड दैट आर रेड, ब्लू एंड व्हाइट. सो इट इज अंडरस्टूड बिकॉज व्हाइट इज द लाइटेस्ट कलर, इसलिए व्हाइट को हमेशा बैकग्राउंड में रखें. अब यहां पर गौर करना, देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो मेरी, क्या दिखा, कौन सा बैकग्राउंड है? व्हाइट. व्हाइट. अब आप यहाँ पर ऊपर देखो, मैंने ये जो बॉर्डर दिया है किससे दिया है? ब्लू कलर का दिया है, दिया है ना? Yes, sir. यहाँ ब्लू दिया है और यहाँ ब्लू दिया है, और ये मैंने बैंक ऑफ अमेरिका का जो वो है ना लोगो, वो मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया. अब ये देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका, ये मैं रिसर्च एंड एनालिसिस दे रहा था. रिसर्च एंड एनालिसिस कब दिया? नवंबर 21 को. देखो 2 साल हो गए लगभग, है ना. अब आप इसके आगे का देखो, अब यहाँ पर देखो ओवरव्यू किस कलर में लिखा है? ब्लू. ब्लू कलर में, है ना. या तो आप इसे जो ओवरव्यू हेडलाइन है वो आप रेड कर सकते हैं. अच्छा ये देखो, मैंने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डोमेन्स, कल्चर, सेक्टर्स, जॉब करियर, ये मैंने रेड में नहीं किया. क्यों नहीं किया, कोई बताएगा? बताइए. क्योंकि सर ये टॉपिक्स है और ओवरव्यू एक हेडलाइन थी. बिल्कुल, मैं ओवरव्यू को मैं रेड में कर सकता हूं, बट अंदर के जो पॉइंट्स है उसको मैं रेड में नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि ऑफिशियली जब कुणाल, जब हम लिखते हैं ना कुछ नोटबुक में भी, तो किन कलर्स का यूज करते हैं? यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू. यस, ब्लैक एंड ब्लू. तो यहाँ पर इसलिए हमने ब्लू यूज किया, और ब्लू इसलिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्लू एक ऑफिशियल कलर है. और उससे भी बात छोड़ो, आप ये इमेज में तो बैंक ऑफ अमेरिका किस कलर से लिखा हुआ है? ब्लू. यानी कि लिखाई के लिए बैंक ऑफ अमेरिका कौन सा कलर यूज करता है? ब्लू. 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 ऑलराइट, तो इसलिए ब्लू है ना. वो गाना याद आ गया मुझे, आज दिल है पानी पानी ब्लू ब्लू, कुछ ऐसा गाना, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा कुछ गाना है, पानी पानी सर. आज ब्लू है पानी पानी. ओके, यो सिंह. ओके, सो नाउ यू सी ओवरव्यू, ओवरव्यू को हम रेड कलर में कर सकते थे बट मैंने नहीं किया. अब आपकी मर्जी, आप करना चाहे तो कर दीजिए. अब उसके साथ में इधर देखिए, मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने ब्लू कलर का एक बॉर्डर भी दिया है. ठीक है, बॉर्डर भी दिया है और एक रेलेवेंट इमेज भी डाली है. Yes, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिए, दैट अ पीपीटी शुड हैव कंटेंट फॉर 40% ओनली. कंटेंट कुणाल, कपिल, जागृति सब समझ लें, पीपीटी में कंटेंट कितना परसेंट होना चाहिए? 40%. 60% व्हाइट स्पेस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने पूरा भर दिया, और वो भी जरूरी बेहतर होगा अगर आप पॉइंट्स में लिखे. अब आप देखो दूसरा पॉइंट देखो मेरा, कंपनी हिस्ट्री देख रहे हैं सारे पॉइंट्स में. Yes, अब आप यहाँ देखिए ऊपर, ऊपर क्या लिखा है? हिस्ट्री. अब देखो मैंने एक बिल्कुल रेलेवेंट ग्राफिक दिया है, हिस्ट्री जैसा ग्राफिक दिया, देख रहे हैं आप? Yes, जस्टिफाई कर. अब आगे देखिए कंपनी हिस्ट्री, फिर आप और आगे देखिए, फिर ये देखिए प्रपोज्ड विजन स्टेटमेंट. देख कितने अच्छे तरीके से मैंने, और कितना प्रोफेशनल लिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको प्रोफेशनल? Yes, yes, अब आप और आगे देखिए सर. सर इसमें जो आपने लेफ्ट अपर कॉर्नर पे जो लोगो दिया है पूरा इसका, तो ग्रेश में एंड ब्लैक में दिया सर, ऐसा क्यों? कहाँ पर? ये टॉप पे, ये यस सर, ये एक्चुअली उसमें दिया हुआ है. आप जब बैंक ऑफ अमेरिका की, जब आप उसमें जाएंगे ना डिटेल्स में जाएंगे,
है ना, वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे तो ये वहां पर दिया हुआ है, ये बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच आप देख रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है ना, तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का ये जो है ये उनको ऑफिशियल वो है, तो वहां से मैंने उठा के इस पे डाल दिया। सुनो सर, मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट भी सेम है। हाँ देखिए, मैंने जो है एक्चुअली देखिए, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच है ना, ये मैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के लिए कर रहा हूँ, तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का जो है ना वो यही ऑफिशियल कलर है। ओके है ना, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका टोटल की बात करें तो उसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ और है ना, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बैंक ऑफ अमेरिका का एक डोमेन है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुणाल, जैसे टाटा क्या है, कुणाल व्हाट इज टाटा? सर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। टाटा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। यस सर। रिलायंस क्या है? सर सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज। रिलायंस इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना। अब ये जियो क्या है? सर ये रिलायंस का डोमेन है। रिलायंस का डोमेन है, ठीक है। और बताओ रिलायंस एंटरटेनमेंट क्या है? सर ये भी डोमेन है रिलायंस। ये भी एक डोमेन है ना। और रिलायंस का और क्या क्या है? रिलायंस लाइफ। लाइफ रिलायंस लाइफ, ओके ठीक है। रिलायंस लाइफ क्या है? वो भी एक डोमेन है। अब आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, रिलायंस ग्रुप को देखें तो उसका जो लोगो कुछ और है, लेकिन जियो का लोगो रेड एंड व्हाइट। कुणाल जियो का लोगो क्या है? रेड एंड व्हाइट है या फिर ब्लू एंड व्हाइट है, आप देख लेना है ना, लेकिन जियो का लोगो अलग है ना। yes, उसी तरीके से रिलायंस लाइफ का लोगो अलग होगा, रिलायंस एंटरटेनमेंट का लोगो अलग होगा, रिलायंस पेट्रोलियम का लोगो अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, ठीक उस तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक एक बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके अंदर कई डोमेन है। कौन से डोमेन? टीसीएस क्या है? उसकी डोमेन है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक डोमेन है ना। टाटा स्काई क्या है? सर ये भी डोमेन है। डोमेन है। उसी तरीके से टाटा स्टील क्या है? डोमेन है ना। टाटा ऑटोमोबाइल क्या है? डोमेन। टाटा कैपिटल क्या है? डोमेन। टाटा एआईए लाइफ क्या है? डोमेन है। तो ये सारे डोमेन है और इनके लोगोस और इनके कलर कॉम्बिनेशन में आपको चेंज नजर आएगा। कुणाल समझ रहे हैं ना आप? यस सर। यस, तो बस उसी तरीके से ये बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच उसका एक डोमेन नहीं है, उसका वो है सेक्टर है। अब ये सेक्टर क्या होता है? अब जाहिर सी बात है सबके दिमाग में आएगा कि ये सेक्टर क्या है। डोमेन होता है कंपनी के अंडर में कंपनीज, राइट, सॉरी कंपनीज के, कंपनी के अंडर में कंपनीज को हम डोमेन कहते हैं। जैसे टाटा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। अब टाटा के डोमेन्स क्या है? टाटा स्टील, टाटा कैपिटल, टाटा लाइफ, टाटा मोटर्स, टाटा ऑटोमोबाइल, टाटा स्काई, ये क्या हो गया? डोमेन हो गया है ना। अब कुणाल सेक्टर क्या हुआ? जैसे टीसीएस ले लो आप, टीसीएस क्या है? सर आईटी डोमेन नहीं, हाँ आईटी कंपनी है ना। yes, वो टाटा का एक डोमेन है। अब टीसीएस में सेक्टर क्या हो गए? बीपीओ अलग, फार्मास्यूटिकल अलग, आईटी अलग, है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। तो एक कंपनी के अंडर में जो सर्विसेज आती है ना कुणाल, उसको हम बोलते हैं सेक्टर्स। यस सर। जैसे जैसे मान लीजिए कुणाल, यू आर स्टडिंग एट ज्ञान गंगा। यस सर। है ना, अगर मान लो ज्ञान गंगा का स्कूल भी है ना। यस सर, एक है ना। तो वो ज्ञान गंगा का वो जो स्कूल है ना, वो क्या हो गया? सेक्टर है या डोमेन? सर डोमेन सेक्टर हुआ। वो डोमेन हुआ है ना, वो डोमेन हुआ कुणाल। क्यों डोमेन हुआ? क्योंकि भाई आपका जो आपका जो वो भी एजुकेशन में ही है। हाँ, वो भी एजुकेशन में। इंजीनियरिंग कॉलेज आपका एक अलग डोमेन हो गया, और वो स्कूल वाला जो कॉलेज, वो क्लास, स्कूल वाला कैंपस, वो अलग डोमेन हो गया। अब सेक्टर क्या हुआ आपके ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस में? सेक्टर क्या हुआ? बीटेक एक सेक्टर हो सकता है, पॉलिटेक्निक चल रहा हो वो एक सेक्टर हो सकता है, एमबीए चल रहा हो सकता है, फार्मेसी चल रही हो वो एक सेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस। यस, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? यस सर। यस, तो इसको डोमेन्स एंड सेक्टर्स बोलते हैं। तो आप देखिए प्रपोज मिशन स्टेटमेंट, फिर आप देखिए एक्सटर्नल ऑडिट है ना, फिर ये देखिए इंडस्ट्रियल एनालिसिस। अब इसको जरा गौर से समझिए आप, क्या क्या ऑफिशियल कलर है बैंक ऑफ अमेरिका के? व्हाइट, रेड, ब्लू। अब आप जरा यहाँ पर देखो, व्हाइट तो बैकग्राउंड में आ गया। अब ये देख रहा हूं मैं आपको, ये एक चार्ट दिखा रहा हूं। अब उस चार्ट में देखो, मैंने रेड और
ब्लू का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ ग्रे किया. यहाँ मैंने व्हाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि व्हाइट यहाँ पर अच्छा नहीं दिखता. यस सर. ठीक है, तो ये देखो बड़ा स्मार्टली रोल प्ले किया मैंने. अब आगे भी आप देखना, आगे भी आपको और दिखेगा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर देखिए मैंने रेड का इस्तेमाल किया है, दिख रहा है आपको कुणाल कपिल जागृति सभी को? yes, sir. है ना, देखो मैंने रेड का यहाँ पर कहा. यस, है ना. अब ये देखो, ये स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका रेवेन्यू. ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसे आ गया. फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड ब्लू दोनों का इस्तेमाल कर दिया मैंने, है ना. yes, फिर आप आगे और देखो, ऐसे आप देखते जाएंगे. देखिए इस तरीके से, ये देखिए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, है ना. तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पीपीटी बनाई. क्या आप सबको इसके बारे में पता था कभी कि हमें पीपीटी इन सब चीजों का ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? नो सर, स्पेशली जो कलर्स चूज करते हैं हम, वो फर्स्ट टाइम पता चला. यस yes, अब आप ये देखिए मैंने एबीएन एमरो एक बैंक है, जानते हैं? नो सर. ये ड्यूट्स बैंक है, एबीएन एमरो. यस सर. है ना, एबीएन एमरो हिंदुस्तान के कुछ ही चुनिंदा शहरों में, शायद कैपिटल सिटीज में आपको मिलेगा, शायद भोपाल में आपको ये जरूर मिलेगा एबीएन एमरो, अगर होगा तो. तो एबीएन बैंक ऑफ अमेरिका है शायद सर. ओह, बैंक ऑफ अमेरिका इज इन भोपाल? आई डोंट थिंक सो. है कोई? यस सर है. अच्छा एक मिनट, बैंक ऑफ अमेरिका भोपाल ब्रांच नहीं होगा सर, भोपाल एक्चुअली एक फॉरेन बैंक है भोपाल में. ये कह रहा है कि जो है जागृति जो है ना, वो बैंक ऑफ अमेरिका में जब वो जनरल मैनेजर बनेगी तो भोपाल में दो चार आ जाएंगे. ओके ओके, सो नाउ यू सी दिस इज अनदर बैंक एबीएन एमरो. इसके लिए भी मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर किया था. ये ड्यूट्स बैंक है और ये सारे इंटरनेशनल बैंक है मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, ये बहुत बड़े बैंक है ना, एबीएन एमरो. अब आप एबीएन एमरो का जरा ऑफिशियल कलर देखो, ये लोगो देखो एबीएन एमरो का, ये लोगो देख रहे हो, ग्रीन एंड येलो. लेकिन एबीएन एमरो लिखा किस कलर में जाता है? ग्रे में. तो अब आप देखो, तो ये अंडरस्टूड है कि भाई ये देखो, ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं थोड़ा ग्रेइश आपको दिख रहा होगा, वो एग्जैक्ट वो व्हाइट नहीं है, है ना. वो थोड़ा सा ग्रे का थोड़ा सा ऐसा टच दे दिया है, बट मैंने डार्क ग्रे नहीं लिया, उसको लाइट शेड कर दिया है. ठीक है, अब देखो क्योंकि येलो है तो येलो को इस्तेमाल हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बड़ा ऑड दिखेगा यहाँ पर. तो देखो मैंने ग्रीन में क्या कर दिया है, जो हमारा टॉपिक है रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस, उसको मैंने ग्रीन के अंदर डाल दिया, देख रहे हैं आप. yes, और ग्रे का मैंने यहाँ पर ले लिया. अब आगे बढ़ते हैं. अब आप ये जो एबीएन एमरो ऊपर दिख रहा है ना, ये सारे स्लाइड में आपको लिखा हुआ आएगा. देखो दूसरा देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, ये देखो ग्रीन का इस्तेमाल मैंने कैसे किया, ये लाइफ लाइन बना दिया ऐसे टाइप का. yes, दिख रहे है? और उसका लोगो आपको दिख रहा है? दिख रहा है नीचे लेफ्ट कॉर्नर. अब देखो मैंने, हाँ मैंने लिखने के लिए कौन सा कलर यूज किया है? ग्रे यूज किया है. यस, अब आगे देखो यहाँ पर भी देखो, ग्रे और वो हल्की सी ग्रीन कलर वाली जो लाइन ऊपर बनाई, दिख रही है? इज इट लुकिंग प्रोफेशनल और नॉट? क्या ये पीपीटी प्रोफेशनल लग रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है. अब आगे देखिए, अब देखिए मैंने येलो का इस्तेमाल कहाँ कर दिया? Yes, sir. ग्राफ में कर दिया. ऑलराइट, और आप देखिए मैंने यूरोजोन पीएमआई को मैंने ग्रीन कलर में दिखा दिया, यूएसआईएसएम को मैंने इस कलर में दिखा दिया, है ना. अब आप आगे देखिए, ये देखिए ब्राजील को ग्रीन में, चाइना को येलो में, ग्रे को इंडिया में करके बता रहा हूँ, है ना. ये देखिए, अब आप आगे देखिए यूएस और यूरोजोन, अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये देखिए, है ना, देख रहे हैं आप. तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया. क्लियर आपको? yes, तो आगे से जब भी आप कभी पीपीटी बनाए तो आप ये चीज हमेशा ध्यान में रख लें कि व्हाट इज एक्चुअली द ऑफिशियल कलर ऑफ दोस कंपनीज या फिर आप जो भी पीपीटी डिलीवर कर रहे हैं, है ना. जैसे आप ह्यूमन, हाँ यस प्लीज सर, जैसे ऑफिशियल कंपनीज थी इनके लोगो थे तो हमने कलर वहां से पिक कर लिया. हाँ जी, बट हमें जैसे कोई, जैसे आपने अभी टॉपिक असाइन किए तो सर हम इसमें कैसे कलर डाल सकते हैं? हाँ, व्हाट इज द टॉपिक? विंग्स ऑफ होप. विंग्स ऑफ होप है ना, तो जाहिर सी बात है विंग से आपका ताल्लुकात किससे हो रहा है? बर्ड्स, पक्षियों से. और पक्षियां हम
कौवे की तो तुलना किसी अच्छी चीज से तो करते नहीं है किस चीज से, किस पक्षी की तुलना किससे करते हैं? मतलब कम से कम हम कबूतर ले लेंगे, yes, है ना, हम आसमान में ऊंचा उड़ने वाले स्वान की ले लेंगे जो खूबसूरत दिखते हैं, yes, है ना, और फिर वो उड़ते कहाँ हैं? कुणाल पक्षी उड़ते कहाँ हैं? स्काई, आसमान में। आसमान का कलर क्या होता है? ब्लू। तो अंडरस्टूड हो गए ना? ओके सर, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से तो देखिए, आप सबको थोड़ा ध्यान लगाना होगा, सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू यूज दोस झुल्ली पुल्ली टेम्पलेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैं नहीं चाहता वो उजड़े चमन वाला जो टेम्पलेट है ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जो बाबा आदम के जमाने से हम देख रहे हैं और आंखें हमारी पथरा जा रही हैं, वो कोई नहीं यूज करेगा। आप क्या करेंगे, गूगल पे जाइए, उस पर ढूंढिए टेम्पलेट्स, है ना, मोटिवेशनल टेम्पलेट्स, बिजनेस टेम्पलेट्स, है ना, इंस्पिरेशनल टेम्पलेट्स, कुछ ढूंढिए और उसके बाद आप उन पर काम करिए। बट अगर मैंने कोई भी टेम्पलेट, वो बाबा आदम के जमाने में जो घिसे पिटे टेम्पलेट जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लगे हुए हैं, अगर वो किसी ने यूज किया तो मैं प्रेजेंटेशन आपका नहीं टूटूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, जो टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा, चलो मैं आपको बताऊं, एक बार डाउनलोड करके बताऊं कैसे करते हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखो मैं क्या बताने वाला था। ओके सर, एक क्वेश्चन था मेरा। यस यस, प्लीज आप टोकेट नहीं कर सकते? आप, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जरा। सर टोकेट नहीं कर सकते क्या? आपकी आवाज, प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आपके बैकग्राउंड में, प्लीज माइक ऑफ करके दोबारा ऑन करके पूछिए। जी और जी पूछिए। ओह माय गॉड, आप थोड़ी देर बाद बात करिए प्लीज। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओके दीपेश, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, आप अपना कनेक्शन ठीक करिए, है ना। और का माइक दीपेश, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना कनेक्शन ठीक करिए, उसके बाद बात करिए, है ना, क्योंकि आप टाइम किल कर रहे हैं और जो आपका जो डिस्टरबेंस हो रहा है ना, वो यकीन बहुत कानों को चुभ रहा है। ऑलराइट, तो आप अपना कनेक्शन थोड़ा आप ठीक करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। यस, ओके, सो मैं आपको क्या बताने वाला था, देखो ऐसे मैं भूल जाता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ, हाँ यस याद आ गया मुझे, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। आप ये देखो, ओके मैं आपको एक स्क्रीन खोलकर दिखा रहा हूँ। ओके ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या दिख रही है? बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका, अच्छा, ये जो आपने, जो आप सामने देख रहे हैं ना बैंक ऑफ अमेरिका, ये दरअसल एक इमेज है जो मैंने पेस्ट की है स्लाइड पे, ठीक है। और ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कितना हाई डेफिनेशन इमेज है, देख रहे हैं ना, रेजोल्यूशन इसका लो नहीं है। इनफैक्ट मैं जो भी इमेज मैंने यूज किया है सब बहुत HD इमेजेस है, कोई भी लो रेजोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इसको हटाऊं तो इसके नीचे कोई और इमेज आपको दिखेगा, ये देखो आप दिख रहे हैं। अब इसको भी हटाऊं, ये देखो इसके नीचे कोई और दिख रहा है, ये देखो, है ना, ये देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ और इमेज दिख रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, है ना। अब इसको भी हटा दूं, अब देखो इसको भी हटा दूं तो इसके पीछे देखो, इसके पीछे भी कुछ और इमेज है, देखो, दिखा आपको? Yes, ये देखो, दिखा आपको? Yes, एक मिनट मैं इसको डिलीट ही करता हूँ, जस्ट अमेंट, ये देखो इसके नीचे देख रहे हो कौन सी इमेज दिख रही है आपको? ये देखो, अब इसको हाईलाइट करता हूँ, आप देखना क्या दिखेगा आपको, देख रहे हो आप? यस सर।
है ना, ये भी इमेज है, बड़ा हाई डेफिनेशन इमेज है। तो मैंने काफी सारी इमेजेस पहले मैंने डाउनलोड किया, सोचा ये लगाऊं वो लगाऊं कौन सा लगाऊं, तो इस तरीके से समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. तो आप जब पीपीटी बनाएंगे तो आप जो इमेजेस डाउनलोड करेंगे आप भी हाई डेफिनेशन इमेज डाउनलोड करिएगा, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इमेज आपने डाउनलोड आपने करके लगा दिया। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट वो जब सेव गर्ल चाइल्ड पे मैं डिलीवर कर रहा था वो इमेज आपने देखा था ना कितना हाई डेफिनेशन इमेज था, एचडी था ना वो, तो ठीक इसी तरीके से आप सभी को भी वो लगाना होगा। ठीक है, और भी सवाल कोई है पूछिए प्लीज। सर मेरे क्वेश्चन है सर, जैसे कि मेरा टॉपिक है सर नेवर गिव अप, तो मुझे किस टाइप का सर ऑफिशियल कलर यूज करना चाहिए? भाई इसमें कोई ऑफिशियल कलर नहीं होना चाहिए, अब वो डिपेंड करता है कि कपिल आप बोल रहे हैं ना? नहीं सर, अंकित कुशवाहा सर। अंकित, अंकित देखिए वो डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट ले रहे हैं, आपने इमेज कौन से यूज किया। मान लीजिए नेवर गिव अप पे आपने एक ऐसी तस्वीर आपने लगाई है जिसमें एक बगुला है वो मेंढक को खाने की कोशिश कर रहा है, मेंढक आधा उसके मुंह में और मेंढक ने बगुले की ऐसे गला दबा के रखा है, अब वो किस कलर में इमेज है उस हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा। बट ये तो तय बात है अंकित कि जो बैकग्राउंड होगा ना वो आप हमेशा लाइट रखेंगे, आपको इस पे काम करके देखना पड़ेगा अंकित, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई ब्लू यूज कर लो रेड यूज कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अंकित आप, ये वही बात हो गई अंकित, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मैं अपनी शादी में कौन सा कपड़ा पहनूं किस कलर का, तो मैंने आपको कहा भाई शेरवानी पहन लो रेड कलर की, तो आप कहेंगे नहीं सर रेड कलर मेरे पास सर अच्छा नहीं लगेगा सर, तो मैं बोलूंगा फिर पीला पहन लो, आपने बोला नहीं सर पीला जो है ना वो थोड़ा अजीब लगेगा, मैंने बोला नीला पहन लो सर वो जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं सर, अच्छा ठीक है फिर हरी पहन लो सर हरे में ना थोड़ा ऐसा लगेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ अंकित, जब तक आप सारे कलर पहन के आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आप पर अच्छा लग रहा है। ठीक उसी तरीके से पीपीटी बनाइए, कलर आप देखिए क्या सही लगता है क्या नहीं, उसके बाद आप तय कर पाएंगे और मुझे भी शेयर करिएगा। बट ये इतना आप हमेशा ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड अंकित हमेशा वो लाइट कलर होना चाहिए, है ना, वो लाइट कलर होना चाहिए। अब जैसे कोई सेव ट्रीज पर कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ग्रीन का कलर इफेक्ट आएगा, कहीं जो है वो जो है थोड़ा ब्लू कलर का भी इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो कहीं फ्लावरी कलर भी इस्तेमाल करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब नेवर गिव अप पे आप देखिए बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। ठीक है अंकित, तो आपको करके देखना पड़ेगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल? यस सर। यस सर, जैसे हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं सर, इसमें एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है जी, तो सर उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये सर यूजुअली जिस काम को करने में जैसे 10 मिनट्स लगने थे तो उसको 20-30 लग जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? कुणाल अब ये तो इस पे मुझे कोई, मैं कैसे बताऊं, अब ये डिपेंड करता है कुणाल आपका टॉपिक क्या है। विंग्स ऑफ होप। Wings of Hope. अब आपको पहली बात हो सकता है कि आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं जैसे डॉक्टर कलाम, आपने उनकी तस्वीर लगाई पहली, है ना, yes. और आपने शायद कुछ इस तरीके से आपने शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि कंटेंट का मतलब लिखना, आप इमेज ही सिर्फ डाल दीजिए, आप 4-5 इमेज डाल दीजिए। आपने मान लीजिए जो है इमेज लगाई डॉक्टर कलाम साहब के बचपन की, है ना, और आपने ऐसी इमेज लगाई कलाम साहब जो है फाइटर प्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं, और आप वहां पर क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर कलाम इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज ड्रीमिंग टू बी अ फाइटर प्लेन, टू बी अ पायलट ऑफ फाइटर जेट, है ना, बट ही कुड नॉट बिकम only because he had that important thing, and what is that gentlemen, that is hope. He knew that someday his wings of hope will give him wings to fly to fly on that fighter plane, kuch is tarike se. To aapne wo image dali, fir aapne dusri image dali jahan par he is carrying the parts of missile to Shri Harikota on cycle, hai na, वहां बता रहे हैं। फिर थोड़ा सा आपने कुछ और दिखाया जब वो उन्होंने जो प्रोजेक्ट था जो वो कर रहे थे और ऑटो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया था, कुछ ऐसा वो लॉन्च कर रहे थे,
फिर आप उनको दिखा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट दिस, तो बहुत सारी चीजें आप सिर्फ इमेज ऐड कर दीजिए, इमेज को आप एक्सप्लेन करिए। मे बी आप ऐसे कह सकते हैं कुणाल, कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं, मैं आइडिया दे रहा हूँ बट आप इसको यूज नहीं करेंगे। चलो मैं आपको, देखो एक मिनट, मैं जो है म्यूजिक लगाकर आपको बताता हूँ, है ना, कोई भी रैंडम म्यूजिक यूज कर लेता हूँ। ओके चलो, पियानो म्यूजिक, देखते हैं ये कैसा है। इज इट ऑडिबल? यस सर। हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? ऑडिबल सर। यस सर, ऑडिबल। ओके चलो देखो, मैं ऑडिबल बट योर वॉइस इज नॉट करेक्ट सर। Am I not clear? No, sir. You are absolutely clear. Yes, sir. Okay, okay. Shivam, I think you should check your connection. चलो देखो मैं कर रहा हूँ। कुणाल, मान लो your topic is wings of hope. कैसे शुरू करना होगा? There is nothing impossible in this world. Because the word impossible itself says, I am possible. If you want to be a doctor, you can be a doctor. If you want to be an engineer, you can even be an engineer. If you want to be a model, actor, film director, producer, businessman, entrepreneur, you can be everything, whatever you wish to be. But how is that possible? That is only possible if you have those wings. The wings, not that birds have. I'm talking about the wings that will take you to the most exciting destination where you all wish to be, and that's S-U-C-C-E-S-S, success. So you can reach to this exciting destination, success, only if you have the wings of hope. Boys and girls, good morning. My name is Kunal Jain, and I'm here to tell you about wings of hope. It's not just wings. In fact, it's a power that will give momentum to your dream that you'll be able to convert into goal, and someday you will be a very successful person when the entire world will be walking on your footprints. Now, did you see, Kunal, how did I do? Yes, sir. Yes. So, Kunal, now you see, this is how we can do. अब आप देखो म्यूजिक कैसे चल रहा था, म्यूजिक के हिसाब से मैं अपने आप को बोल रहा था, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन म्यूजिक के हिसाब से चल रहा था, है ना। अगर ये म्यूजिक अगर थोड़ा ये फास्ट होता तो शायद मेरा वैसा होता। और आपने देखिए, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा था ना, उस स्टेटमेंट को बिल्कुल सूझ बूझ के साथ, वो स्टेटमेंट जो कहना चाह रहा है उस हिसाब से बोल रहा था। और मैं इस पे, कुणाल, मैं और भी बोलता चला जाऊं, आप में से जो भी जिसका कोई भी टॉपिक हो ना, कोई भी टॉपिक आप देंगे, मैं उस पे तो बस बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यस प्लीज सर, आपका भी परफॉर्मेंस ऐसा था, मुझे लगा भी नहीं कि जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं इसके नियर भी पहुंच पाऊंगा। ऐसा नहीं है कुणाल, है ना, आप सब जब आप मेहनत करेंगे तो यकीनन मेहनत का फल हमेशा जो है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। अब वो कितना रंग लाती है ये आप पे डिपेंड करता है, yes, sir. है ना। सो इट एवरीथिंग इज ऑन यू ऑल, आप जो चाहें आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस पावर पॉइंट? मुझे बताइए ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या जानना चाहते हैं आप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर उस समय किस तरीके से मतलब बोल सकता हूँ, या मुझे नहीं पता क्या होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, मुझे नहीं पता क्या। निखिल, आप नहीं जानते जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हेलो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये हो गया कि भाई मैं लड़का हूँ, है ना, मुझे प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए, वो लड़की है उसको घर संभालने दो, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वो लड़की है उसको बाहर पढ़ने के लिए ना भेजो, भाई मैं लड़का हूं तो कहीं भी जा सकता हूँ, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वो लड़की है वो शाम को 6 बजे के बाद अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकती, मैं लड़का हूं मैं रात भर मस्ती करके कहीं भी जा सकता हूँ, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये सारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना। आप ये बताए तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते, हो सकता है आप जो किसी, आप श्लोक से शुरू कर सकते हैं, है ना, हो सकता है किसी देवी की श्लोक से शुरू करें।
माँ दुर्गा की स्तुति से शुरू करें, है ना। हो सकता आप कुछ ऐसी चीज से शुरू करें जहां पर आप ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर कोई एक बराबर है, जितना रोल एक मर्द का है उतनी ही एक औरत का है, जितना रोल सफलता का होता है उससे भी कहीं ज्यादा रोल असफलताओं का होता है, जितना उतार जरूरत है उतनी ही चढ़ाव की भी जरूरत है। तो आप इस तरीके से, लेकिन हर किसी का मतलब आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। निखिल, है ना, आप थोड़ी मेहनत करिए। अगर आप सब ये कहेंगे कि मैं आप सबको मैं जो है एक एक करके बता कर दिखाऊं तो आप क्या करेंगे, है ना। तो निखिल, इस तरीके से आप उस पे आप अपनी तैयारी करिए। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ये समझिए कि इस दुनिया में हर कोई एक बराबर है, है ना, चाहे मर्द हो औरत हो या फिर किन्नर ही क्यों ना हो, किन्नर भी जो है समाज का एक हिस्सा है और वो भी यकीनन बराबर ही है। किन्नरों का भी बहुत अहम रोल रहा है हमारे देश में, है ना। उनका आपको हम मतलब हिंदू रीति में, है ना, प्रथा नहीं कहेंगे, हिंदू रीति में भी किन्नरों का भी एक बहुत अहम रोल प्ले होता है। आपको पता होगा कि बंगाल में जो है जब दुर्गा जी की जब वो बनती है मूर्तियां बनती है, हाँ, तो जो मिट्टी जो जाती है वो पहले किन्नरों के वहां से जाती है, ऐसा कुछ है। तो ये रीति है, है ना, रीति और प्रथा में निखिल फर्क है। प्रथा क्या होता है? प्रथा होता है अनसुनी कथाओं पर विश्वास करना। अनसुनी कथाओं पर विश्वास करने को हम प्रथा कहते हैं निखिल। यानी कि भाई सती, सती प्रथा थी ना, वो क्या थी, भगवान ने नहीं कहा, उसमें कोई नीति नहीं थी तो वो प्रथा हो गई। छुआछूत, ऊपर वाले ने नहीं कहा कि वो शूद्र है, वो दलित है, वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है, वो ये है, है ना। तो ये अनसुनी कथाओं पर भरोसा करना को हम प्रथा कहते हैं। बट जो रीति होती है ना उसमें नीति होती है, और जिसमें नीति होती है उसमें जो है मानव कल्याण, समाज कल्याण होता है, और वो सीधे ऊपर वाला भगवान वाले ने उसको बनाकर रखा होता है। सो रीति और प्रथाओं में ये इस तरीके से फर्क है। ठीक है निखिल, तो आप कुछ इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों है कि भाई जब रामनवमी का, जब नवरात्र का टाइम आता है तो हम जो है बहनों को, बेटियों को बुलाकर, घर में जो है नौ कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजन करते हैं, उनको उनको खाना पीना खिलाते हैं, है ना। लेकिन जब नवरात्र खत्म हो गया तो लो भैया फिर से वही हो गया, वो इज्जत जो देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं, लेकिन नौ दिन के लिए भैया सब कुछ खत्म, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, है ना। सो इक्वालिटी, सिर्फ वो नौ दिन के लिए हमें जो है उनको बराबर नहीं रखना चाहिए, जिंदगी भर का उनको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। तो निखिल, इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है निखिल, यस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? ओके, कैन आई टेक ब्रेक फॉर टू मिनट्स? क्या मैं दो मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ? यस 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 सर। All right, okay. I wanted to go out for water, but somebody has locked me out. मेरे को बाहर से बंद कर दिया है. Okay, जब खुलेगा तब जाऊंगा. Okay, so any other question? Any other question, please ask. सो जैसे मेरा टॉपिक है सर्कमस्टेंसेस आर अपॉर्चुनिटीज, तो एक मतलब मैं स्टार्ट किसी भी इमेज से कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं मैरी कॉम या ब्रूस ली, जैसे हमने उसको सुना है कि आई सरकम समथिंग सर्कमस्टेंसेस, उसका कोई थॉट है
आई कांट रिमेंबर हां उनका जो ब्रूस ली का जो थॉट है वो उन्होंने ये कहा है The hell circumstances I hell create. With hell with circumstances I create opportunities. तो उनके thought के बजाय उनके मतलब picture से मैं start करूँ ऐसा कुछ कर सकते हैं? Of course आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं देखिए लेकिन देखिए आमतौर पे लोग presentation में करते क्या हैं अगर आपने देखा होगा शिवम तो अच्छा शिवम नहीं है यहाँ पर presentation में लोग करते क्या हैं वो पीछे slide चल रही होती उसी को पढ़ते हैं उसी को बस देखकर वो पढ़ते हैं तो जब वो पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंटेशन कहाँ है भाई वो तो रट्टू तोता वाला काम है वो तो कोई भी कर सकता है कि भैया बुला लो और आके पढ़ के चले जाओ तो रट्टू तोता वाला काम हो गया प्रेजेंटेशन नहीं हुआ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है आपने जो सामने इमेज दिखाया है जो पॉइंट है उसको ना देखिए आप बोलते रहिए क्योंकि वो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है आपको उसको देखने की पढ़ने की जरूरत क्या है तो आप यकीनन इफ यू वांट टू स्टार्ट विद एन इमेज वेयर इन यू नीड यू वांट टू पुट एन इमेज ऑफ ब्रूस ली और ब्रूस ली के उस इमेज को आप बोल एक्सप्लेन करके आप बताना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं यू कैन डू दैट यस सर है ना बट आपकी स्टार्टिंग कमाल की होनी चाहिए यू ऑल हैव टू एंश्योर ये समझना होगा कि स्टार्टिंग आपकी कितनी बेहतरीन हो सके जैसे देखो मैंने अभी जैसे तीन चार वो मैंने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया करके दिया आपने देखा कितना इफेक्टिव स्टार्ट था यस सर है ना तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट आपको भी करना बट फॉर दिस यू नो व्हाट प्रैक्टिस मेक्स ऑल ऑफ अस परफेक्ट ऑलराइट सो वी हैव टू प्रैक्टिस हार्डर लाइक एनीथिंग द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बिकम तो ये जो आपका प्रेजेंटेशन जो होगा 16 तारीख को ये तय करेगा कि 18 तारीख को किसका रिकॉग्निशन होगा और ये भी तय करेगा कि पोस्ट कोरोना एक बार जब आपका कॉलेज खुलेगा तो मैं किसके कॉलेज आकर आकर ये अनाउंस करूंगा कि ही और शी इज अपॉइंटेड एज एन ऑफिशियल स्पीकर फॉर माय अपकमिंग मोटिवेशनल टॉक्स तो हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो आप में से कुछ लोगों को मौका मिलेगा मेरे साथ मोटिवेशनल टॉक डिलीवर करने का काफी सारे लोकेशन पे आप में से कितने लोगों ने मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखा वो जोश टॉक्स वाला देखो देखा ही नहीं जब आपने देखा नहीं तो आप मेरे बारे में आप कैसे जानेंगे सिर्फ हर्ष ने देखा है आज आप सब जाके जरूर देखिएगा इज दैट क्लियर यस सर ठीक है ओके खुल गया ओके नाउ आई कैन आई टेक ब्रेक फॉर टू मिनट्स अब खुल गया है ना मैं आता हूँ यस सर श्योर
All right. Okay, yes. So now please ask. You wanted to ask a few more questions. Please ask. सर जैसे मैंने भी कभी अभी तक सीबीटी की प्रेजेंटेशन दिया नहीं तो सर मेरे टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी ओके मुझे एक बार गाइड कर दीजिए आई डिडंट गेट हर्ष कैन यू प्लीज रिपीट अगेन सर माय टॉपिक इज पॉजिटिव साइकोलॉजी तो मुझे आपसे एक रिव्यू चाहिए सर रिव्यू चाहिए सर कैसे देना चाहिए कि मैंने अभी तक कभी सीबीटी की प्रेजेंटेशन दिया नहीं ओके ना सिर्फ पीपीटी प्रेजेंटेशन तो वो तो पावर पॉइंट की बात हो गई ऐसे कैसे प्रेजेंटेशन आप क्या चाहते हैं जैसे मैंने अभी कुणाल को बताया और ये अभी इनको बता रहा था निखिल को बता रहा था ऐसे पूछ रहे हैं यस सर अच्छा ठीक है तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ आप उसका फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप ठीक है ना आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से यूज करेंगे क्लियर है ओके सर ओके ठीक है मैं कर रहा हूँ व्हाट इज योर टॉपिक पॉजिटिव साइकोलॉजी सर सर मुझे बस फॉर्मेट जानना प्रेजेंटेशन का फिर बाकी सब ठीक है अच्छा फॉर्मेट तो आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है फॉर्मेट तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको चार कंटेंट वाला स्लाइड तैयार करना है ना और जो बाकी जो टेक्निक्स वगैरह वो मैंने आप सबको पब्लिक स्पीकिंग में बता दिया है स्टार्टिंग स्पीकिंग वाले दिन में शायद नहीं था उसी दिन सर फोर सिंगल डे था जिस दिन मैं अटेंड नहीं कर पाया था सर क्लास ओके नाउ यू सी हर शैक्चुअली जो स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए ना वो कमाल की होनी चाहिए है ना मिसाल के तौर पर मान लीजिए जैसे आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं Somebody has said that you can lead, that you can reach to success only if you have that. Somebody has said that success requires passport. No. एक मिनट मैं म्यूजिक लगाता हूँ शायद मुझे थोड़ा आ गया हो कोई भी म्यूजिक लगा दूँ गिटार ओके हर्ष नावसी मैं बता रहा हूं आपको We all have a dream. And to reach to a dream, one must turn its dream into a goal. And we can only turn a dream into a goal if we have that one very important and essential attribute. Boys and girls, we call it as attitude. But what kind of attitude is it? This attitude is actually a passport to fly to the most exciting destination, and that's success. And that attitude is actually positive attitude. So this is the only attitude that, you know what, gives you everything. Gives you joy, gives you peace, gives you pleasure, gives you that whatever you have dreamt of, gives you everything that you desire, gives you everything that you actually need. That's
positive psychology. I see. Harsh. Yes, sir. है ना? तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you, sir. Now, see, Harsh, actually क्या है कि ये थोड़ा difficult हो जाता है अचानक जो है तुरंत सोच कर you know, बना देना. But even then, I hope this would work. है ना? बट yes, जैसा yes. मैंने शुरू किया ना ऐसा आप नहीं करेंगे, आप कुछ और स्टाइल से करेंगे. Okay. मतलब ये जो स्टेटमेंट बोले हैं मैंने ये आप ना यूज करके आप कोई और स्टेटमेंट यूज करेंगे. Anybody else has got a question? Sir, yes. सर पीपीटी में सर जो स्लाइड्स हमें बनानी है सर इसमें कोई फॉर्मेट या कोई सीक्वेंस है कि हमें कंटेंट किस तरह से डालना है? अब देखिए मैं चाहूंगा ना कि जो आप जो जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक क्या है विंग्स ऑफ होप. विंग्स ऑफ होप है ना, तो आप उसमें कई सारी चीजें दिखाएंगे. भाई देखो जब हम स्लाइड्स तो हमारे पास चार ही हैं सर. हाँ सिर्फ चार है, तो चार को आप जो है आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना. आपने सर जैसे टॉपिक दिया तो एक टॉपिक आ जाए कि क्या है वो. नहीं हाँ ठीक है, विंग्स ऑफ होप आपने जैसे वो आपका टॉपिक है विंग्स ऑफ होप, उसके अंदर जो आपका जो कंटेंट होगा अब उसको आप हेडलाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं हेडलाइन देना चाहते हैं तो आप इमेज और कुछ पॉइंट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप क्या दे सकते हैं जो चौथी वाली जो स्लाइड हो सकती है वो आपका एक तरीके का कंक्लूजन हो सकता है, बट वहाँ कंक्लूजन लिखेंगे नहीं. एक एक लाइन में आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, मान लो जो आपका पहला कैसे बताऊँ उसमें आप सक्सेस लिखिए फेलियर्स लिखिए और रिलेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स इन विंग्स ऑफ होप कुछ ऐसे करके लिखिए. ये आपको थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. Yes, sir. अभी अभी फिलहाल मेरे लिए बता. चलो देखो मैं आपको एक पीपीटी दिखा रहा हूँ, शायद उससे आपको कोई आइडिया लगे. So, yes? आपने से बोला था कि अपना जो टॉपिक है उसको आप स्टार्ट कर दो डायरेक्टली, आपको ऐसे रिवील नहीं करना है कि भाई मेरा टॉपिक ये है. तो हम फर्स्ट स्लाइड में तो हम वेलकम स्लाइड होगी हमारी और सेकंड हम... नहीं है कोई जरूरी नहीं. देखो जैसे वो सेव गर्ल चाइल्ड वाली थी ना. यस सर, वैसे भी शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली हमने कर सकते हैं. तो उसमें कहीं लिख नहीं रहा, लिखा नहीं था सेव गर्ल चाइल्ड. तो देखो जैसे ये देखो आप कुणाल. यस सर. बढ़े चलो, ठीक है मेरा टॉपिक है बढ़े चलो, ठीक है ना. अब ये देखो ये एक इमेज है. अब मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस इमेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोगों को, है ना. उसके बाद कह रहा हूँ बिलीव इन योरसेल्फ, फिर क्या कह रहा हूँ विनिंग रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस, फिर क्या कह रहा हूँ आई एम बिकॉज वी आर, फिर क्या कह रहा हूँ योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, फिर ये एंड हो गया. आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं. तो सर मतलब कोई फॉर्मेट नहीं होता? नहीं कोई फॉर्मेट नहीं. देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, जब हम सिंग रेज्यूमे पे कर रहे थे सेशन हमने बोला था कि इस दुनिया में कोई फॉर्मेट नाम की कोई चीज नहीं होती है. यस सर. है ना, देखो अभी जैसे मैं एक और दिखा रहा हूँ. ये देखो ये अभी पीपीटी मैंने डिलीवर किया था आपके ज्ञान गंगा में जो अभी एफडीपी थी ना, अक्रॉस कंट्री 23 एफडीपी चल रहे थे और उसके बाद नितिन गडकरी साहब का प्रोग्राम था, मैंने ओपन किया था. ये देखो टॉपिक क्या है मेरा, Learn from circumstances. ये मेरा लोगो आ गया नीचे. अब देखो पिक योर फाइट्स. अब आप देख रहे हो इसका मेरा पीपीटी देखो आप कितना अच्छा लग रहा है. बैकग्राउंड आप देख रहे हैं? Yes, है ना, कितना कमाल का बैकग्राउंड है और देखिए मैंने कैसे बनाया है. अब आप देखिए ये अलग बात है कि वो टेम्पलेट है. पिक योर फाइट्स देखो, इमेज देखो कितना रेलिवेंट आ रहा है, देख रहे हो. पिक योर फाइट्स बोल्ड इफेक्ट है ना, ठीक है. अब आप यहाँ देखिए fight against every circumstances every day for a better life, we have no option. अब आप देखो मैं कलर कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूँ, ठीक है. अब आप ये देख लो, उसके बाद आप ये देखो, ये तो मेरा वो इंट्रोडक्शन हो गया. फिर आप ये देखो, ये मेरी बुक है circumstances green of colors of life. मैंने सोचा कि करीब 800-900 प्रोफेसर जुड़ रहे हैं भारत के कोने कोने से, तो अपनी थोड़ी प्रमोशन कर तो बुक दिखा दी मैंने.
Now you see water circumstances. है ना, अब देखो ये water circumstances मैं इस पे explain करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जो है उनको पढ़कर बताऊंगा. अब आप ये देखो, है ना, फिर आप यहाँ पर देखो reasons, देख रहे हैं आप, और relevant graphic देखिए, फिर आप यहाँ पर देखिए should we give up then, है ना, फिर आप देखिए ये देख रहे हैं. अब ये क्योंकि अब ये ब्रूसली की ये वाली बात करी थी ना आप, जागृति. Yes sir. To help with circumstances I create opportunity. Yes. तो अब आप देखो एक तरफ मैंने ब्रूसली का इमेज लिया है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मैंने क्या दिखाया है, पक्षियों को उड़ते हुए. राइट, तो इस तरीके से रेलेवेंट ग्राफिक ये देखो आप, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, है ना कुणाल, आपको आइडिया मिल रहा है कुणाल? Yes sir. है ना, तो कुणाल ये आपको एक्चुअली डिसाइड करना पड़ेगा. देखो मैंने कैसे किया, स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स, सीक्रेट मंत्र, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, नेगेटिव प्रॉब्लम्स फॉर बीइंग सक्सेसफुल, और लास्ट में मैंने कैसे कंक्लूड किया कि अगर आप ये सब इंक्लूड करते हैं तो आप क्या होते हैं, विनर. हां, द विनर इज यू. ऑलराइट, तो ऐसे मेरा ये पीपीटी यहां खत्म हो जाता है. और मेरा वो बैकग्राउंड वो देखो जो इमेज लिया, देखो कितना हाई डेफिनेशन इमेज है, दिख रहा है आप सभी को? यस सर. यस. और उसके बाद देखो थैंक्स एनी क्वेश्चन, ये आपका आएगा, ये आपका छठा स्लाइड होगा थैंक्स एनी क्वेश्चन वाला. यस सर. हाँ, अब उसके बाद ये देख लो, मैंने अपना ये नंबर भी डाल दिया ताकि प्रोफेसर मेरा नंबर नोट कर ले, मुझे काम वाम दे, पैसे कमाई हो, लेकिन अभी तक किसी ने कॉल ही नहीं किया मुझे. Alright, so I hope you got an idea, Kunal. Yes, sir. है ना? तो इस ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे बनाना है. तो कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है. चलो आपको मैं एक और पीपीटी दिखाता हूँ, और ये पीपीटी देखो अभी मैंने टीचर्स के लिए बनाई थी. कहाँ के टीचर्स के लिए बनाई थी ये? ITM. हाँ, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में फैकल्टीज की ट्रेनिंग ले रहा था मैं, है ना. अब आप ये देखो कुणाल, दिख रही है आपको इमेज कुणाल, जागृति, शिवम? नो सर. नो सर. ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम श्योर नाउ विजिबल. यस सर. यस सर. अब देखो जागृति, कुणाल, शिवम, मेरा टॉपिक क्या है? इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग. एक बार देखना, अभी देखो क्या है टॉपिक. Six effective teaching strategies for the classroom. For the classroom, है ना? लेकिन मैंने देखो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. यहाँ से क्यों शुरू किया? पता है क्यों? No sir. No sir. Topic hidden रहे. हाँ, topic hidden रहे. मैंने बोला कि ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो हर तरीके के फल देता है. मैंने topic की शुरुआत कैसे करी कि ये एक पेड़ ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसको आशीर्वाद मिला है कि जो चाहे वो फल दे सकता है. आपको आम खाना हो? हाँ जी सर. कल्पवृक्ष जैसा? हाँ जी, कल्पवृक्ष. हाँ, कल्पत्रु. कल्पत्रु, राइट. हाँ, कल्पत्रु, यस, है ना. तो मैंने अब ये देखो मैं कैसे शुरू करूंगा कि ये एक ऐसा वृक्ष है, अद्भुत वृक्ष है जिसको भगवान का आशीर्वाद मिला है कि ये हर प्रकार का फल दे सकता है. आपको अगर सेब खाना हो तो सेब देगा, आपको आम चाहिए तो आम देगा, केला चाहिए तो केला, अमरूद चाहिए तो अमरूद, जो चाहिए कोई भी फल, ये सब फल दे सकता है क्योंकि एक अद्भुत पेड़ है. और ऐसा ही एक अद्भुत प्राणी भगवान ने इस पृथ्वी पर भी उतार रखा है, और उस अद्भुत प्राणी को हम कहते हैं शिक्षक, क्योंकि एक शिक्षक कई सारे प्रोफेशंस को पैदा करता है. एक शिक्षक ही है जो डॉक्टर बनाता है, एक शिक्षक से ही इंजीनियर इंसान बनता है, एक शिक्षक से ही वो मॉडल बनता है, एक्टर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनता है, वो सब कुछ बनता है. लेकिन मगर कैसे? सिर्फ उस शिक्षक के पढ़ाने से. आप समझ रहे हैं? यस सर. यस. तो इस तरीके से मैंने शुरू किया. अब देखो इस पेड़, इस अद्भुत पेड़ की तुलना मैंने शिक्षक से की, और यहां पर सबको समझ में आ गया कि मेरा टॉपिक क्या होने वाला है. अब आप यहां पर ये ग्राफिक देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके का, देखिए मैंने बैकग्राउंड लिया, आप सब देखिए, देखिए कितना अच्छा है. आप ये देख रहे हैं, ये मेरा वो है, लोगो है, सतीश बीथीलैंड, दिख रहा है आपको? यस सर. और ये देखिए,
सिक्स इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर द क्लासरूम। अब आप ये देखिए जो जीआईएफ चल रहा है, जीआईएफ देखिए कितना रिलेवेंट जीआईएफ है, राइट? किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, ऑलराइट। सो नाउ यू सी कितने अच्छे तरीके से जीआईएफ चल रहा है। उसके बाद अब आप आगे का इमेज देखिए, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, ये इस पे मैंने बोलना शुरू किया। ये हमको क्यों बोला, क्योंकि पढ़ाने के पहले आपको खुद समझ कर जाना चाहिए कि आप वहां क्या बोल जाएंगे, क्योंकि आपके शब्द बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे शुरू किया। फिर देखो टीचर्स का चैन लाइव ये बोलने लगा। अब अच्छा आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, देख रहे हैं कितना अच्छा है, yes, sir, chalks. है ना चॉक्स। अब आप ये देखिए टॉप 10 क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। नाउ इसी कुणाल, जागृति, शिवम, अंकित, सारे लोग देखो, आरती, प्रियंका, कि मैंने टॉप 10 क्वालिटीज आप देख रहे हैं, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है, देख रहे हैं आप? Yes, sir. है ना? अच्छे देखो जो बॉर्डर पे जो कलर है वो थोड़ा ऑरेंज वाला है, इसलिए हेडिंग भी मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है। अब आप आगे देखो, गुड टीचर्स इज 1/4 प्रेजेंटेशन 3/4 थिएटर, है ना? यानी कि 25% टीचर की तैयारी और 3/4 यानी कि 0.25% उसका क्या होता है थिएटर, वो कितना प्रेजेंट कर रहा है। तो देखो कितने अच्छे से मैंने कलर यूज किया है, 1/4, 3/4, देख रहे हैं, मैंने उसको हाईलाइट किया है ना। तो देखो अब ये देखो पहला पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग विजुअलाइजेशन, क्लियर है आप सभी को? कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। ना अब आप दूसरा पॉइंट देखो, है ना, ये इस पे डिटेल्स दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग पे ये डिटेल्स दे रहा हूँ। देखिए, ब्रिंग डल एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स टू लाइफ विद विजुअल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। अब आप आगे देखो, होप यू रिमेम्बर वी हैड द डिस्कशन फ्यू टेक्निक्स इन पब्लिक स्पीकिंग। देखो इसमें पब्लिक स्पीकिंग वाला सेशन मैंने इनकॉर्पोरेट किया था, है ना, उनको बता रहा हूँ, होप यू रिमेम्बर, देख रहे हैं कैसे लिखा है। इसके पहले मैंने उनको पब्लिक स्पीकिंग बताया, तो उनको बता रहा हूँ, तो याद है ना तुम्हें वो पब्लिक स्पीकिंग वाली टॉप सेशन जो किया था, मैंने कैसे स्टार्ट करना, देखिए कैसे लिखा है, है ना। अब आप आगे देखिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। फिर आप ये देखो कोऑपरेटिव लर्निंग पॉइंट नंबर 2, है ना। फिर देखिए उस पर थोड़ा सा डिटेल। अब मैं इसको ये जागृति वगैरह समझ ले, मैं इसको वहां पढ़ नहीं रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, समझ रहे हैं? अब आप आगे देखिए, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन नोइंग द लर्निंग्स, ये उसकी डिटेल्स। अब ये देखो फोर बिहेवियर मैनेजमेंट, है ना, और ये उसके एग्जाम्पल्स। फिर देखो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, देख रहे कितने अच्छे से मैंने ये सब तैयार किया है। yes, प्रोफेशनल लग रहा है ना? yes, yes, कुछ ऐसे। नंबर 6 फीडबैक, उसके बाद देखो मैंने फीडबैक कैसे लिखा है, पॉजिटिव और एरिया ऑफ स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, है ना, यही मैंने आप सभी को भी बताया था। अब उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, वांट टू सी फ्यू ग्रेट टीचर्स, उन सबको मैंने पूछा क्या आप ग्रेट टीचर्स देखना चाहते हैं, और पता है उनको मैंने क्या दिखाया? मिरर नहीं, उन्हीं जो टीचर्स पढ़ रहे थे ना, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्हीं लोगों की तस्वीर दिखाई, देखो। Can you see? Yes, yes. देखो बैकग्राउंड इमेज देखो कितना अच्छा है, उसमें देखो मैंने इन सब की इमेज लगाई है, देखो ये मैं खड़ा हूँ, स्मार्ट सा, हैंडसम सा जो दिख रहा है। yes, वो मैं ही हूँ। राइट, सो दे आर प्रोफेसर ऑफ ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, है ना। तो इस तरीके से ये, और देखो फिर मैंने क्या बोला, मैं कैसे एंड कर रहा हूँ, देखो मैंने बोला सबको एक साथ बोलो, से प्राउडली loudly, we are teacher. देखा आपने कितना positive note पे मैंने end किया है? Yes, sir. ये देखिए, thank you teachers. ये देखिए GIF. तो ये अपनी थोड़ी सी अपनी प्रचार प्रसार कर दिया कि भाई लोग देखें, किताब खरीदें, लेकिन खरीदा नहीं लोगों ने। Okay, so I hope now you have an idea. अब शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि आप कैसे क्या करने वाले हैं। क्लियर है आप सभी को? यस सर। यस सर। एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू नो, प्लीज क्लेरिफाई योर डाउट। आपको आपको ये सारी स्लाइड्स में 4 स्लाइड्स को कन्वर्ट करना हो तो वो 4 स्लाइड्स क्या होंगी? यस हर्ष सर, जो आपने अभी दिखाया मुझे अपना पीपीटी, इसको सिर्फ 4 स्लाइड में कन्वर्ट करना है, तो वो 4 स्लाइड कौन सी होंगी आपके हिसाब से? अरे नहीं, इसको तो करूंगा ही नहीं, ये तो पता था मुझे 3 घंटे का सेशन है। नहीं सर, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको उसको 5 मिनट में बोलना हो तो आप उसको कैसे करेंगे? अरे भाई 5 मिनट में बोलना है तो हमको स्लाइड जो बनाएंगे नहीं, एक स्लाइड बनाएंगे, उसमें सारे पॉइंट्स डाल देंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे।
ओके सर, थैंक यू सर. मतलब अभी तो इसमें आपने देखा कितने स्लाइड थे, मेरे ख्याल से 20-25 थे, है ना. और ऐसे जब मुझे 5 मिनट का टाइम दिया गया तो मैं एक स्लाइड में उसको पॉइंट वाइज कर दूंगा, उसी को एक्सप्लेन करके खत्म कर दूंगा, है ना. कुछ इमेजेस डाल दूंगा ऐसे. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज पूछिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप सब काबिले तारीफ करें. और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको अगर कभी मौका मिले तो आप प्रोफेसर चौबे से पूछिएगा जो आरजीपीवी में है, है ना, या फिर आरजीपी में किसी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे मेरे बारे में कि मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ. ठीक है, तो ये तय बात है कि अगर आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया प्रेजेंटेशन तो पोस्ट कोविड ये लाजमी है, ऑब्वियस हो सकता है कि मैं हो सकता है आपके कॉलेज आऊँ, है ना. सुमित जी हैं यहाँ पर, वो सुन रहे हैं, वैष्णवी कॉलेज आ सकता हूँ, या फिर शिजाब आ सकता हूँ, या फिर तो आप ज्ञान गंगा में हैं, ज्ञान गंगा के डायरेक्टर वगैरह सब मुझे बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कुणाल, कभी पूछ लेना जाके. सर अगर आप श्रीराम तो मुझे एक मैसेज जरूर ड्रॉप करा. अरे श्रीराम में मैं आऊँ, मेरा तो लाजवाब स्वागत होगा वहां पर. नहीं सर मुझे इन्फॉर्म कर देना क्योंकि सर मैं तो शायद अलग ही हो जाऊंगा. हाँ हाँ ओके ओके, मैं श्रीराम टू जरूर आऊंगा वो पुराने सभी लोगों को देखने के लिए. अभी कंप्यूटर साइंस के एचओडी कौन है वहां पर? प्रतीक गुप्ता सर. अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के? सर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर नहीं पता सर. अच्छा अच्छा, बट पॉल साहब अभी भी है ना? हाँ सर वो प्रिंसिपल है, और खान सर अभी भी फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल. खान सर? खान सर एचओडी है फर्स्ट ईयर के सेकंड कॉलेज. अच्छा अच्छा, एचओडी है. ठीक है ठीक है, ओके ओके. प्रदीप दुबे जी अभी भी हैं? हाँ हाँ है सर, वो एनसीसी वाले, वो पहले एसआरआईटी 3 के प्रिंसिपल थे सर, वो अभी वो एनसीसी के वो हेड है बस. अच्छा अच्छा, एनसीसी के हेड है. और वो सिविल वाले टीचर हैं वो जो बड़े जींस वगैरह पहनकर आते हैं, क्या नाम है सर का? एसआरआईटी 3 में है, बड़े फेमस है वो. ओपल सर? हाँ ओपल सर, प्रदीप ओपल सर. नहीं शायद वो नहीं है, वो कोई और है. अच्छा ठीक है, तो ओके, आस्क मी सम मोर डाउट्स. तो ये आपके प्रेजेंटेशन बताएंगे कि जो है पोस्ट कोविड मैं किसके कॉल में ऑनर रिकॉग्निशन के लिए आने वाला हूँ. अगर ऑनर रिकॉग्निशन के लिए आऊंगा तो यकीनन ठीक उसी तरीके से होगा रिकॉग्निशन जैसा आपने और भी बाकी सारे स्टूडेंट्स का दिखा है. यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क, प्लीज क्लैरिफाई योर डाउट. कोई सवाल? सर चैट बॉक्स में सेंड किया हुआ है मैंने मेरा अपना. ओके ओके, चैट बॉक्स में. According to my topic, try. Yes, Dipesh, this is your topic. Try again. ये आपका topic है. इसमें आप पूछना क्या चाहते हैं दीपेश? सर स्टोरी ऐड कर सकते हैं क्या सर? वो एक स्टोरी है जैसे कि वो खरगोश और कछुए वाली, कि वो धीरे धीरे मतलब नदी तक पहुंच जाता है और रेस को विन कर देता है. हाँ तो दीपेश उसमें try again का उसमें जो मॉरल है ना उसमें वो नजर नहीं आता. उसमें मॉरल वो चीटी वाला कर सकते हैं कि वो चढ़ती है फिर गिर जाती है फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है. अब देखो दीपेश, ये जो चीटी वाली स्टोरी, हाथी वाली स्टोरी, कछु वाली स्टोरी, ये कोई सुनना नहीं चाहता है आपसे, क्योंकि यही सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं. तो कुछ ऐसी स्टोरी बताओ जो बड़ा लाजवाब हो और बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाए. याद रखिए आज के जमाने में कोई कहानी सुनना ही नहीं चाहता. yes. क्योंकि अगर मैं बोलूं डॉक्टर कलाम की अगर आप सबको कहानी बताऊं तो आप नहीं सुनेंगे, है ना. तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बस ये बताना होगा कि बहुत संघर्षों से गुजरे डॉक्टर कलाम और इसलिए आज वो भारत रत्न की ख्याति उनको प्राप्त हुई. तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं. बट आप ये कहें कि वो बचपन में यहाँ पैदा हुए, गरीब परिवार से थे, अखबार बेचा, फिर उन्होंने ये किया, पढ़ाई यहाँ की, है ना. वो फाइटर, वो पायलट बनना चाहते थे बट वो नहीं बन पाए, कुछ नंबर से फेल हो गए, है ना. फिर वो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आए. तो ये कहानी बनाने में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, है ना. अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं देन ऑफ कोर्स पीपल विल लिसन यू, अदरवाइज पीपल वोंट, है ना. तो स्टोरी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं बट वो स्टोरी नहीं, ब्रीफ स्टोरी का एग्जांपल तो दे ही सकते हैं कि आप सबने ये तो सुनी होगी बचपन में, लाइक ऐसा तो बोल ही सकते हैं. क्या सुनी है?
नहीं मतलब अगर जैसे हम चाहें कि कोई स्टोरी जो बहुत मतलब सभी ने बचपन में जो सुन रखी हो कोई पोएम, या जैसे मैंने अभी उसको बोला कि तुम वो चीटी वाला ऐड कर सकते हो, तो सबने ही सुनी है ऑलमोस्ट, तो हम ऐसा एग्जांपल तो ले ही सकते ना कि जैसे आप सबने उस चीटी की कहानी तो सुनी ही होगी। हाँ जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, पूरे उसे सुनाना नहीं सिर्फ। यस करके देखिए, आपके पास 5 मिनट है, अगर कोई वीडियो ऐड कर रहा है तो आपको 8 मिनट का टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। तो कुणाल मैंने क्या बोला, कब हम ये ड्रिल करेंगे, विल डू अ ड्रिल, ओके ऑन 14 परसों, है ना। परसों जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो क्लास खत्म होने के ठीक 1 घंटे के लिए मैं आप सबको टाइम दूंगा, सबको 5-5 मिनट का टाइम दूंगा कि भाई कौशल 5 मिनट ये आपका है, इस 5 मिनट तुरंत लॉग इन करो और मुझे अपना प्रेजेंटेशन रन करके दिखाओ, है ना, ताकि वो चलने में 16 तारीख को कोई दिक्कत ना करे, है ना। मिस्टर खान अपना प्रेजेंटेशन रन करके दिखाओ, आरती करके दिखाओ, दीपिका करके दिखाओ, ताकि इसको एश्योर कर लें कि उस दिन हमारा प्रेजेंटेशन किसी तरीके से हैम्पर ना हो, है ना। Yes, sir. Any other question? Any other question? No, sir. Okay. चलो फिर एक कोई language कभी की जैसे सिर्फ See, I would want you all to speak in English. I would want you to deliver in English. The presentation should be delivered in English. No matter, you can keep 10% of Hindi. Maybe आप quotations इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कुछ humor charts इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शायद आप जो हिंदी में कर सकते हैं, but I would be glad if you deliver it in English because That is the criteria. वो criteria है आपके लिए. तो अंग्रेजी में आप उसे deliver करें, ठीक है ना? Okay, और 5 मिनट के लिए अंग्रेजी deliver करने में ऐसा है नहीं कि आपको जब 5 साल की मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो PPT आप सबकी जो है परसों तक रेडी हो जानी चाहिए 14 तारीख तक, और 14 तारीख को मुझे PPT आप सबकी देखनी है, क्लास शुरू होगा, PPT आप सबकी उस समय होनी चाहिए, मैं देखूंगा ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूं 1-to-1, है ना। आप अपनी PPT बनाते रहिए, ना हो तो मुझे WhatsApp करते रहिए, मैं WhatsApp पे आपको भी बता सकता हूँ, बट बाई 14 बाई 12-20 योर PPT शुड बी रेडी, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, गिव मी थम्स अप। ओके ओके नाउ टेल मी वन मोर थिंग, अभी जैसे 22 मेरे ख्याल से 19-20 को हम ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं जो हमने आपको दिखाया था, हाउ मच यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप, कितने लोग करना चाहेंगे वो सोशल मीडिया इंटर्नशिप वाली जो बात मैंने करी थी आपको? ओके ओनली 2 ऑफ देम, फाइन। यस सर। ओके ओके ग्रेट। यस सो एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जो स्टार्टिंग होती है वो बता दीजिए, भगवान सिंह क्या है आपका टॉपिक भगवान? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, अरे भाई इतने तो एग्जांपल्स दिए मैंने ना, आप जैसे ये कह सकते हैं, मान लो जैसे आप चलो देखो आपको भी करके बता रहा हूँ भाई, आप सब जो है ना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इतने सारे क्लूज दे रहा हूँ मैं, आप सब चाहते हैं कि मैं पर्सनली आप सभी को एक एक करके आपको टॉपिक पे बताऊं। देखो मैं लगा रहा हूँ, देखो कोई पियानो म्यूजिक लगाऊं, पियानो म्यूजिक, देखो। आर यू करेंटली राइटिंग अ बुक एंड यू आर लुकिंग टू पब्लिश इट इवेंचुअली? इफ यू आर, भगवान सुनाई दे रहा है? यस सर। व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक क्या है? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन सर। Ups and downs are parts of life. You fail, you win. You fall down and you get up. These are all parts of life. Sometimes you actually come across unfavorable circumstances. In fact, every minute, every single step, every single moment, we all come across. Just a minute, take one. Every minute, every single step, every single moment, we all come across unfavorable circumstances. Unfavorable circumstances that are
unavoidable. But what should we do? Should we give up? No, it should not. But you know what? We can overcome all these circumstances only if we have that power, the power of determination, boys and girls. Good morning. My name is Bhagwan Singh. And power of determination is the key to overcome all your circumstances. Okay, Bhagwan? Thank you, sir. Yes. अब आप में से कोई ना पूछे कि कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि भाई थोड़ा सा दिमाग खुद से भी लगाओ. मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आप सभी को दे दिए हैं, तो यकीनन अब आप थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हैं. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी एल्स? ओके, चलो लेट्स प्ले अ गेम, वो गेम जो हमने कल परसों नहीं खेला था. रेडी एवरीवन? Yes, sir. Okay. तो मैं ऑर्डर बता दे रहा हूँ. The game is the same. Counting numbers in descending order. All right. अगर मैंने 100 बोला तो आपने 99 बोला, फिर 98, फिर 97, ऐसे चलता जाएगा. किसी ने गलत नंबर बोला वो गेम के बाहर हो जाएगा. अगर किसी ने टाइम लिया 96 तो भी बाहर. ठीक है, तो सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ. जागृति मेरे बात बोलेंगी और उसके बाद ये गेम चलता रहेगा. फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं पहले बोल दूंगा, उसके बाद जागृति बोलेंगी. जागृति के बाद कुणाल, एंड देन आफ्टर कुणाल इट इज काजल. काजल के बाद कमलेश बोलेंगे, कमलेश के बाद कौशल, कौशल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद मिस्टर खान. आफ्टर मिस्टर खान इट इज दीपेश, दीपेश के बाद दीपिका, दीपिका के बाद निखिल, फिर हर्ष, हर्ष के बाद भगवान, भगवान के बाद कपिल, कपिल के बाद आरती, आरती के बाद ओप्पो A9 2020, फिर से जागृति, फिर कुणाल, काजल, कमलेश, कौशल, ऐसे चलता रहेगा. रेडी एवरीवन? यस सर. ओके, कौन नहीं खेल रहा ये बताओ. पता चला भैया कौशल को नंबर आया, देखो गायब हो गए. यस सर. नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कौशल की बारी आई है ना, कौशल ने बोल दिया 96 और प्रियंका बोल ही नहीं रही है, क्योंकि भाई सर एक बार और गेम बता दीजिए एक बार और. जागृति, द गेम इज ऑल अबाउट काउंटिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. वी विल काउंट नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मान लो जैसे मैंने बोला जागृति आप बताना मेरे पास है ना, द नंबर इज 96 97 95 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
कमलेश बोलेंगे 92 और मान लो कौशल ने बोला 91 अरे नहीं तो भी सही है, मान लो प्रियंका ने बोला 89 तो प्रियंका बाहर, क्यों? क्योंकि प्रियंका को 90 बोल रहा था, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। और अगर मान लो प्रियंका के बाद प्रियंका ने बोला 91 और मिस्टर खान बोलते हैं 90 तो ऐसे मिस्टर खान बाहर हो जाए, क्यों? क्योंकि वो टाइम लिया उन्होंने, ठीक है। रेडी एवरीवन? ओके सर, ओके सर, यस सर। माइक ऑन कर लीजिए आप सब, यस। ओके, तो जागृति नंबर फॉर यू इज 70 तो 17 क्या 75 हैं? नहीं, आपने लेट कर दिया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आपने 76 ऐसे बोला ना? हाँ, तो ये तो मेरा स्टाइल है, स्टाइल में रहने का। अच्छा 75 मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ओके ठीक है, क्योंकि आपके दोस्तों का कहना है आपको छोड़ दिया जाए, छोड़ देते हैं। चलो, दिस इज द लास्ट टाइम जागृति, रेडी? यस सर। एंड नंबर फॉर यू इज 80 79 78 कमलेश? ओके, कमलेश इज नो मोर 76 नहीं, कमलेश लेट किया आपने, कमलेश अब हमारे बीच में नहीं रहे। सर आप सबका नाम ले लीजिए, सर सब बोलते जाएंगे। हाँ, ये सब नाम लेते जाइए। चलो जागृति फिर से रेडी? यस सर। और तुरंत बोलना, एंड द नंबर इज 94 89 87 कुणाल जागृति को सर आप इतना पॉज ले लेते कि 90 और फिर ऐसा कर देते तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। ओके सो जागृति अब हमारे बीच में नहीं रही, आरआईपी, रेस्ट इन पीस, इस गेम में नहीं रही जागृति, इज नो मोर इन द गेम। कुणाल चलो आपसे शुरू करते हैं, रेडी? ओके सर। एंड द नंबर इज 74
73 काजल 22 कमलेश कमलेश इज नो मोर चलो कौशल आपसे शुरू करते हैं कौशल 71 अरे बोलने दो नंबर यस सर या नंबर फॉर यू इज 65 59 ओके आई एम सॉरी कौशल इज नो मोर प्रियंका रेडी यस सर नंबर फॉर यू इज 80 79 यस मिस्टर खान 78 दीपेश 77 दीपिका 76 निखिल 75 हर्ष सॉरी सर हर्ष इज नो मोर भगवान सिंह नंबर फॉर यू 64 भगवान अब आप नहीं रहे अरे भगवान ही नहीं रहे ओके भगवान अब आप इस गेम में नहीं रहे ओके तो कौन कौन बाहर हो गया जागृति कमलेश प्रियंका हर्ष भगवान ठीक है प्रियंका चलो कपिल नंबर फॉर यू यस सर 63 62 आरती 61 ओप्पो ओके वो गाय में शिवम नंबर फॉर यू 53 ओके शिवम इज ऑल्सो नो मोर ओप्पो इज ऑल्सो नो मोर चलो कुणाल यस सर नंबर फॉर यू 70 अरे दो लोगों ने क्यों बोला भाई सॉरी सर चलो कुणाल फिर से आपसे कर रहा हूँ कुणाल नंबर फॉर यू इज 64 63 कुणाल काजल 62 कौशल ओके कौशल इज नो मोर आई गेस प्रियंका नंबर फॉर यू 78 ओके प्रियंका इज नो मोर मिस्टर खान यस सर द नंबर फॉर यू इज 96 95 मिस्टर खान यू आर नो मोर दीपेश दीपेश फॉर यू द नंबर इज 86 दीपेश यू आर नो मोर आपने डिले वो तो थोड़ा तेज से बोलिए चलिए दीपेश फिर से आपके नंबर दे रहा हूँ वो दीपेश बहुत डिस्टर्बेंस है आपकी तरफ दीपेश नंबर फॉर यू इज 63 दीपेश आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आप अपना अपना कनेक्शन ठीक करिए पहले ओके दीपिका यस दीपिका नंबर फॉर यू इज 51 दीपिका यू नो मोर निखिल यस सर नंबर फॉर यू 60 9 60 58 तो निखिल यू आर नो मोर कपिल यस सर नंबर फॉर यू 80 79 आरती यस सर आरती अब आप नहीं रही 78 सर नो सर हम सर बोले क्वेश्चन बोल रहे हैं सर आप अरे क्वेश्चन का कपिल का बाद आपको बोलना था कोई बात नहीं आरती अब आप नहीं रही सर हम बोले सर कि आप क्वेश्चन देंगे हो गया नो सर आरती कोई बात नहीं सर हम कंफ्यूज हो गए थे सर कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप हाँ तो वही तो कह रहा हूँ क्यों क्वेश्चन करूंगा आपको ध्यान देना चाहिए ना अब आप नहीं रही आरती कोई बात नहीं सर कपिल डायरेक्ट सर आरती बोल दिए सर अरे लो तो सबके में बोल रहा हूँ चलो कुणाल यस सर कुणाल चलो स्टार्टिंग विथ यू ओके सर एंड द नंबर इज 61 60 काजल 59 कौशल 58 प्रियंका चलो शी इज नो मोर प्रियंका मिस्टर खान आप इन आउट हो चुके हैं ओके नहीं सुनाई दे रहा दीपेश आउट सर जिनका माइक ऑन है सर उनको कंसीडर कर लीजिए क्योंकि जिनका ओके हो चुका है वो आउट ऑफ है ओके ठीक है चलो फिर कुणाल फिर से स्टार्ट करते हैं कुणाल 56 55 काजल 52
Kaushal. 53. Mr. Khan. 52. Kapil. 51. Kunal. 50. Kajal. Kajal, you are no more. Okay, Mr. Khan, 46. 45. Kapil. 54. Okay, Kunal. 73. Hello. 73. So 72. Mr. Khan. 71. Kapil. 70. Kunal. Hello. Kunal, अब आपको जो बोल रहे कपिल के बाद आपको बोलना है. Okay sir. Okay. सर actually थोड़ी voice problem हो रही है. Okay, चलिए. Be careful. Okay, Kunal, 69. 68. Mr. Khan. 67. Kapil. 66. Kunal. 65. Mr. Khan. 64. Kapil. 63. Kunal. 62. Khan. 51. Kapil. 60. Kunal. 59. 58. Mr. Khan, delay ho gaya. You are out now. Okay, Kapil, your number is, please mic off kar lijiye apne. Kaushal ka. Kapil, ye aapki taraf se aa raha hai? No, sir. Sir, Kaushal hai, Kaushal. Okay, Kaushal. Okay, theek hai. Kapil, 91. 90. Kunal. 89. अब मैं नहीं बोलूंगा कुणाल कपिल, आप दोनों अपने से करना, ठीक है ना? कपिल कुणाल, कुणाल कपिल, ऐसे करना, ठीक है? कपिल, नंबर इज 91. 90. 89. 87. 86. 88. 85. Excuse me, कपिल. Yes, 88 बीच में गायब हो. आपने 88 बोलना था. जी सर. All right, so कपिल, nice play. So कुणाल, you win the game. Thank you, sir. All right, great. So I guess the game was nice. It was not that difficult to play, right? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So I've shared you my insights on PPT. I hope aapko bahut sari nayi cheeze is PPT ke bare mein janne ko mila, right? Yes, sir. Yes, sir. So please work on your PPTs accordingly and share me your PPTs before 14th. Yani ki 14 tarikh ko class shuru hone ke pehle pehle tak aapke paas PPT aa jaye, content taiyar kar lijiye. और फिर हमारा प्रेजेंटेशन 16 को हो रहा होगा, ठीक है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क एज ऑफ नाउ और एल्स वी एंड द मीटिंग. इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? नो सर. सर मुझे एक्चुअली रिज्यूमे का पूछना था सर. मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, बस वही एक्स्ट्रा करिकुलर वाला पोर्शन बचा था, तो मैं आपको मे बी 1 or 2 hours में आपको मेल कर दूंगा. हां ठीक है, आप कर. तो सर आप उसका फीडबैक सर कैसे दोगे सर, मतलब कल के सेशन में या फिर? हाँ, मैं आपको फीडबैक कल सुबह आप मुझे कॉल करिएगा, सेशन शुरू होने के एक घंटे डेढ़ घंटे पहले, है ना? सर वो आप भैया सर का फीडबैक आप अगर सेशन में दीजिए दोगे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा मतलब हो पाएगा कि. अच्छा ठीक है कुणाल, फीडबैक मैं सेशन में दूंगा, ठीक है? ओके सर. यस यस, ऑलराइट फाइन. सो Let's end the meeting here. We'll see you all tomorrow. Till then, have a nice time. Jai Hind, everybody. Thank you, sir. Yeah, Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind.